हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। एक और फेस टू फेस में दोस्तों आपका स्वागत है, और एक और धमाका, एक और वीडियो जिसमें भर भर के लर्निंग है, और शायद एक और लंबा चलने वाला लर्निंग कंटेंट। तो लास्ट तक रुकना है, बार बार बोलता हूँ, लेकिन रुकने से फायदा बहुत होगा। फ्री में मिल रहा है और बहुत ही जबरदस्त कंटेंट फ्री में मिल रहा है, तो उसका फायदा उठाइए आप लोग सबको। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग इन्वेस्टिंग का ना पूरा स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, छोटे कंपनी, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए के कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। मिड कैप कंपनीज, मतलब जो कंपनी थोड़ी मेच्योर हो चुकी है, उनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि उनका जर्नी मिड कैप से लार्ज कैप का हम पूरी तरीके से जी सके उनके साथ। और लार्ज कैप कंपनी जो हाथी है, हाथी में कैसे इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है, तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो आज मुझे मेरे गेस्ट मिल गए जो कि बहुत ही जबरदस्त है। पहले वो फंड मैनेजर थे और आज अब की डेट में वो एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ही इज क्वाइट अ रेपुटेड नेम इन द इंडस्ट्री। और इस सब्जेक्ट पे मैं आपको कह देता हूं कि इससे अच्छा नॉलेज डाइव आपको किसी के थ्रू नहीं होगा। सो लेट मी वेलकम द गेस्ट, मिस्टर संदीप सबरवाल। हेलो संदीप जी, थैंक यू विवेक, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अच्छा, होपफुली इंटरव्यू सारी अच्छी जाएगी और कुछ इन्वेस्टर्स को सीखने को मिलेगा। देखते हैं एकदम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर, मैं एक बात आपको बोल देता हूं कि मैं ना इंटरव्यू नहीं करने वाला हूं आपका, मैं तो आपसे सीखूंगा, और आप मुझे अपना स्टूडेंट मानिए और आप सिखाइए, और मैं धड़ाधड़ मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बहुत ही डम स्टूडेंट हूं आपका, तो बहुत ही डम डम क्वेश्चन पूछूंगा, तो प्लीज आप माइंड बंद करिएगा। नहीं, मैंने आपके बाकी इंटरव्यूज देखे हैं तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सर, क्या है, रहे मैं देखिए रिप्रेजेंट करता हूँ भारत को, और मुझे पता है कि कितनी ज्यादा नीड है सही भाषा, सही लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स बातों को समझाना। तो मेरा काम यही है कि मैं आप लोगों से जितनी सिंप्लिसिटी में आंसर निकलवा लूँ और लोगों को समझा दूँ। दैट्स व्हाट माय रोल इज। सो संदीप सर, मैं जानता हूँ आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड भी मुझे पता है, बट मे बी सम ऑफ माई लर्नर्स उनको नहीं पता होगा, तो थोड़ा आपके बारे में जानेंगे। क्या आपने मार्केट की जर्नी कैसे चालू की, आपने क्या क्या किया, और अभी आप क्या कर रहे हैं? ठीक है विवेक। तो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया कि जब स्कूल में होते थे तब यही एस्पिरेशन होता था कि आईआईटी जाना है। तो आईआईटी की तैयारी की, आईआईटी पहुंच गए। वहाँ मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ली लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उसकी समर ट्रेनिंग पे मैं गया, वहाँ पे मैंने देखा कि ये काम तो मैं प्लांट में ऐसे सारी जिंदगी बिताऊंगा तो ये तो मेरा लाइफ खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो तब मैंने तैयारी शुरू की, चलो कुछ और करते हैं। तो फिर मैंने एमबीए की तैयारी शुरू की, फिर मैं आईआईएम बैंगलोर गया। और वहाँ से लकीली मुझे समर्स में एसबीआई म्यूचुअल फंड में ही समर्स के असाइनमेंट मिल गया। तो यहाँ आए तो उस समय मुझे याद नहीं है कौन सा इंडस्ट्री किया था, मैं कहता टोबैको इंडस्ट्री में मैंने कुछ रिसर्च किया था उस समय। और वो मुझे बहुत पसंद आया कि वहाँ जैसे काम चलता था, इन्वेस्टिंग होती थी, मतलब डे टू डे इतनी एक्टिविटी रहती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर जब फाइनल रिक्रूटमेंट के लिए वो लोग आए तो मैंने ज्वाइन करने का डिसीजन दिया कि फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड ही ज्वाइन किया। ये अच्छा 1995 की बात है। अच्छा तो पहले 3 साल मैं एनलिस्ट रहा, तो काफ़ी एनलिस्ट वगैरह एक मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज कवर की। और 98 में मैं यंगेस्ट फंड मैनेजर बन गया था उस समय। तो लेकिन वो समय फंड मैनेजर बनने के लिए खराब समय था क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बूम का टाइम था। उस समय कुछ समझ नहीं आता था कि कौन सा स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, क्या है। रहे थे तो हमें लगता था हम बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं लेकिन एक्चुअली क्यों स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे किसी को कुछ पता नहीं था। तो जब 2000 में फॉल आया तो सबको झटका लगा। तो असली लर्निंग एक्चुअली मैं कहूंगा कि उसके बाद मेरी शुरू हुई। उसके बाद ज्यादा पहले काफी पढ़ा हुआ था बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बुक्स का, उसके बाद असली लर्निंग मार्केट में हुई। उसके बाद खुद इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, अपनी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से एक फिलॉसफी बनी इन्वेस्टिंग की ग्रोथ इन्वेस्टिंग बट विद वैल्यू। ये मेरा स्टाइल बना कि अच्छा लार्जली बॉटम अप इन्वेस्टिंग करेंगे लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टिंग उन स्टॉक्स में करेंगे जिनमें वैल्यू है। लेकिन क्योंकि मैं कुछ कारण से बहुत हाईली वैल्यूड स्टॉक नहीं खरीद सकता क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी थी तो इकोनॉमिक थ्योरी वाइज ये लगता था कि जस्टिफाई नहीं कर सकते कुछ वैल्यूएशंस के। तो वहां पे कैरियर बढ़ा, फिर मैं हेड ऑफ इक्विटी बना। वहाँ वहाँ काफी सक्सेसफुल फंड्स जो आज के दिन भी एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंड्स हैं वो सब मेरे समय में लॉन्च हुए।
फिर मैं कुछ साल जेएम फाइनेंशियल में रहा, सीआईओ इक्विटीज, और उसके बाद मैंने सोचा कि अपना कुछ करते हैं। तो रिसर्च तो उस समय पक्का नहीं था कि ये मैं करूंगा एक्चुअली, फ्रेंकली। तो मुझे ये था कि कुछ स्टार्ट करके देखते हैं। एक फ्रेंड था, उसने कहा कि आपका वेबसाइट मैं फ्री में बना देता हूँ। तो मैंने कहा चलो बना दो, देखते हैं कोई क्लाइंट आता है या नहीं। फिर उस पर क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, अपना रिसर्च करना शुरू किया, अपनी इन्वेस्टिंग शुरू की, और फिर धीरे धीरे ये बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। तो फिर इसमें मजा आने लगा क्योंकि इसमें अपना टाइम भी मिल जाता है। फंड मैनेजमेंट में थे तो मार्केटिंग, एक मार्केटिंग एजेंट की तरह बन गए थे, तो रिसर्च का इतना टाइम नहीं मिलता था। एक बार आप हेड पे पहुंच जाते हो तो बहुत ज्यादा मार्केटिंग में समय लग जाता है। जी तो यहाँ शुरू किया, तो अभी 7-8 साल हो गए मुझे इसमें अपना करते हुए। तो ना इट्स गुड। तो वो जर्नी भी अच्छी थी जहाँ पूरी अपनी एक फिलॉसफी बनी और अच्छा करने का मौका मिला। और अब जो कर रहा हूँ वो भी मुझे अब मुझे इस चीज में ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक समय के बाद, अब जब अलग अलग लोग होते हैं, एक समय के बाद 9 से 5 ऑफिस में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ अपना समय चाहिए, अपना रिसर्च करने का समय चाहिए, और अपनी तरह से काम करना चाहता हूँ मैं, तो वो अब हो रहा है। सही बात। अभी मौका मिला आपसे तो एक प्रश्न पूछना है, ऑल्दो ये हमारा आज का टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आपको क्या लगता है फ्यूचर के अंदर में फंड मैनेजर क्या मार्केट से बेटर रिटर्न जनरेट कर पाएगा, वो अल्फा रहेगा? बिकॉज यूएस में तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इंडिया के अंदर में आपको लगता है अभी भी अपॉर्चुनिटीज है कि एक फंड मैनेजर बेटर रिटर्न जनरेट कर सकता है? देखिए, फंड मैनेजर जरूर कर सकते हैं, लेकिन लेकिन उसके लिए कुछ बेट्स लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मुझे लगता है, हालांकि उन्होंने काफी अच्छा काम कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन वहां पे वो इतने स्ट्रेट जैकेटेड हो गए, इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं इन्वेस्टमेंट पे कि लार्ज कैप फंड इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप इन्हीं में कर सकता है, स्मॉल कैप इन्हीं में कर सकता है। तो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो गई है। तो हम देख रहे हैं दूसरी साइड पे, अगर आप देखेंगे तो काफी एडवाइजरी में जो लोग हैं, जो पुराने फंड मैनेजर्स के एडवाइजरी में आए हैं, या कुछ पीएमएसएस हैं, एआईएस हैं, वो मार्केट्स को अभी भी काफी अच्छे से बीट कर रहे हैं। तो इंडिया का भी ग्रोथ साइकिल 2-3% का नहीं आया है। इंडिया में अभी भी एबिलिटी है कि 6 से 8% हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं कम से कम अगले 15-20 साल। तो इसमें जरूर मार्केट मौका देगा आपको आउट परफॉर्म करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे टफर होता जाएगा। तो और लेकिन मौके जरूर होते हैं। तो इसमें यूएस जैसे डेवलप मार्केट्स में भी अगर किसी ने कुछ बहुत अच्छे स्टॉक्स, कोई एप्पल को ही या गूगल को या अमेजन को ही अपने पोर्टफोलियो में हाईली वेटेड रखा होता उसने, तो उसने मार्केट को बहुत हैवीली बीट किया होता। करेक्ट तो करेक्ट। किस तरह से आप बेट्स लेते हैं, आप अपने विनर्स में कितना पैसा लगाते हैं? अगर आपको बहुत अच्छा स्टॉक मिले, आप उसमें कहते हैं कि मैं 2% ही लगाता हूँ, तो वो 2% डबल भी हो जाएगा आपका। कितना बना? 2% बना ना। तो आपको तो एक स्ट्रॉन्ग बेट्स भी लेने पड़ते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो सर, क्योंकि अब आप एनालिस्ट हैं और प्रोफेशनली आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, सो यू आर ऑल्सो रिटेल, रिटेल को आप रिटेल या HNI हो गया उनको रिकमेंड करते हैं। एक एक क्वेश्चन मुझे अगर उसमें से पूछना हो एंड देन वील गेट इन टू योर PPT, कि अगर किसी के पास में स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है खुद, बिकॉज अब आप तो स्टॉक पोर्टफोलियो खुद बिल्ड करने के लिए लोगों को बोलते हैं, आप फंड मैनेजमेंट उनका करते नहीं है, तो कितने स्टॉक्स होना चाहिए और किसी भी एक स्टॉक में मैक्सिमम कितना कंपोजिशन होना चाहिए और कहाँ तक जाए तो चिंता नहीं करना चाहिए? हाँ, तो मेरा ज्यादातर मानना यह है कि 9 से 15 स्टॉक तक का पोर्टफोलियो अच्छा डाइवर्सिफाइड रहता है। 10-11% से ज्यादा किसी एक स्टॉक में जाना नहीं चाहिए, और ड्यू डिलीजेंस इन्वेस्टमेंट से पहले होना चाहिए। तो एक बार आपने अच्छा ड्यू डिलीजेंस किया, आप सेटिस्फाइड है कि ये कंपनी अच्छा करेंगे, फिर मैं उसमें 2-3% बेट लेने में बिलीव नहीं करता। मैं अच्छा उसमें ज्यादा, मतलब कम से कम 5-6% बेट लेने में बिलीव करता हूँ। तो 15 स्टॉक की डाइवर्सिफिकेशन मेरे ख्याल से अच्छी है। 9 स्टॉक्स अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। मैं कहूंगा कि 15 तक रखना चाहिए। 25 स्टॉक्स के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन नेगेटिवली वर्क करने लग जाता है, क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक आपके अच्छे कर रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को कट करना शुरू कर देते हैं। तो 25 के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली किस मैं कहूंगा रिटर्न डिस्ट्रक्टिव होता है। अच्छा सर, क्या होता है कि कई बार मेल आते हैं लोगों के कि सर मेरा पोर्टफोलियो देखिए सही है ना, तो देखते हैं उसमें 75 स्टॉक, 80 स्टॉक, 90 स्टॉक, और उसमें मैक्सिमम स्टॉक तो क्या है वो टेलविंड वाले रहते हैं, किस में 20,000 डाला हुआ है, किस में 40,000 डाला हुआ है, और पूछता हूँ कि ये क्यों डाला, तो कहते हैं यार फलाना आदमी ने बोल दिया था, मैंने ले लिया, 1 लाख का माल डाल लिया था,
वो 40,000 हो गया, बेचा नहीं जाता है, तो वो पड़े हैं, तो आप उनको मत देखिए, वो ठीक है, पड़े रहने दीजिए, आप वो देखिए जिनमें पैसा बन रहा है। तो ये टिपिकल रिटेल की एक एचएनआई की भी आदत है कि पोथा बना लेते हैं। तो आपके हिसाब से 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कोई कोई फायदा नहीं होने वाला डाइवर्सिफिकेशन का। 25 अपर एंड है, और जो आपने बात कही वो एक्चुअली मैंने अपने प्रेजेंटेशन पे भी कवर की थी, ऐसे पोर्टफोलियो मेरे पास भी आते हैं। एक हाँ टिपिकल इन्वेस्टर फिलॉसफी है जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी दूर करनी बहुत मुश्किल है, कि हाँ प्रॉफिट मेकिंग शेयर को तो बेच दो 10-15% 20% रिटर्न पे, ये हाँ लॉस वाला 50% भी चले जाए तो आप होप एंड प्रे करते रहते हैं कि किसी तरह होपफुली ये ऊपर आ जाएगा। तो जी होप एंड प्रे एक्चुअली मार्केट में काम नहीं करता। तो एक्चुअल फिलॉसफी ये है कि राइड योर विनर्स एग्जिट योर लूजर्स। लोगों की फिलॉसफी जनरली, मतलब मैं कहूंगा 90% की होती है कि डोंट सेल योर लूजर्स, और विनर्स को फटाफट निकालो, प्रॉफिट बन गया भागो। लेकिन वो विनर्स ही हैं जो आके जाके और बड़े विनर्स बन जाते हैं एक्चुअली। सही है, इसीलिए वो 90% लोग ही पैसा बनाते हैं, पैसा खोते हैं मार्केट में, और 10 ही% या उससे कम ही % पैसा बनाते हैं, बिकॉज लोग उल्टा ही करते हैं। तो सर आपका प्रेजेंटेशन मेरे पास है, तो आई एम गोइंग टू बी योर मॉडरेटर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑल्सो, लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग, और आप जैसे जैसे मुझे बोलेंगे वैसे वैसे मैं आपका आई विल यू नो चेंज द स्लाइड्स। ग्रेट, तो आपको दिख रहा है सर? हाँ चल। चलिए, सो एक एक मैं हाँ तो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों कि संदीप जी यू नो ही हैज हिज ओन रिसर्च एडवाइजरी सर्विसेज, रिसर्च लाइसेंस, हमारा कोई भी कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है संदीप जी के साथ, ना हमने उनसे कोई पैसे लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ना हम फ्यूचर में आपको कुछ रिकमेंड कर रहे हैं। तो इट्स अ डिस्क्लेमर, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द नॉलेज शेयरिंग, वी थॉट ही इज अ गुड पर्सन, वाइजर पर्सन टू शेयर द नॉलेज विथ ऑल ऑफ यू। चलिए सर, तो विवेक, एक ये बेसिक सा स्लाइड है जिसमें जनरली क्या डेफिनेशंस है। लोग पूछते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है, ये जनरली म्यूचुअल फंड आपको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो आज के दिन में माना जाता है कि पहले 100 स्टॉक्स जो हैं वो लार्ज कैप है, उसके आगे 150 मिड कैप्स हैं, उसके आगे वाले सारे स्मॉल कैप्स हैं। तो जब हम म्यूचुअल फंड में नहीं काम करते, हम अपना काम करते हैं, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। हम देखते हैं कि लार्ज कैप वो है जो बहुत एस्टेब्लिश कंपनीज है और बड़ी कंपनीज है, उनको हम लार्ज कैप मान लेते हैं। वो हो सकता है कि 100 से बाहर भी हो। और काफी जो स्मॉल कैप्स आजकल के डेफिनेशन में है वो एक्चुअली मिड कैप कंपनीज हैं, बहुत अच्छी एस्टेब्लिश कंपनीज हैं जो कि टॉप 250 के नीचे हैं, लेकिन उनको स्मॉल कैप कहना गलत रहता है, तो उनको भी हम मिड कैप में डाल देते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग ट्वीक कर देते हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं। तो सर आप मार्केट कैप को बेस नहीं करते हैं क्या? बिकॉज 100 नंबर जो है, ये मुझे पता है सेबी की तरफ से बोला गया है म्यूचुअल फंड वालों को कि 100, पर आपको ये थोड़ा सा इरेशनल नहीं लगता है कि 100 का क्या मायने है? मार्केट कैप है ना, तो मार्केट कैप ही होना चाहिए एक थ्रेशोल्ड। या मेरे मेरे हिसाब से वे इनका थिंकिंग ये था कि मार्केट्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो जब निफ्टी 6,000 था और निफ्टी 12,000 हुआ, फिर निफ्टी 18,000 हुआ, तो सेम डेफिनेशन नहीं रह सकता स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का, क्योंकि सब कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये थिंकिंग प्रोसेस था। मेरा ब्रॉडली मानना ये है कि 5,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप की कंपनी को मैं मिड कैप ही मानूंगा, मैं उसको स्मॉल कैप नहीं मानूंगा, और 5,000 करोड़ के नीचे को मैं स्मॉल कैप मानता हूं। इस तरह से मैं नॉर्मली ये काम करता हूं। और पेनी स्टॉक सर? पेनी स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट करना एक्चुअली बंद कर दिया बहुत साल पहले, क्योंकि मैंने रियलाइज किया था कि पेनी स्टॉक में पैसे बनते हैं, लेकिन उसका जो आप रिस्क लेते हैं और उसमें अल्टीमेटली जो साइकिल के एंड में होता है, उसमें आप एक्चुअली पैसे बना नहीं सकते। तो अगर आप बहुत लकी हो जाते हैं कि आपने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, वो सडनली बढ़ गया, तो आप उसको एक कंफर्मेशन बायस आ जाता है कि आपने खरीदा, वो चढ़ रहा है तो ये और चढ़ता जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो मतलब अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से मेरा तो एडवाइस रहेगा कि पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पूरा पोर्टफोलियो का 2-3% आप उस पर रिस्क ले लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए। और पेनी स्टॉक का मार्केट कैप मोटा मोटी क्या एक मान के चलें? कहते हैं 500-600 करोड़ से नीचे की कंपनी को मानेंगे कि हम पेनी स्टॉक है, क्योंकि उसके ऊपर की कुछ कंपनीज भी काफी ठीक कंपनीज होती हैं, वो स्मॉल कैप में आ जाती हैं। कई बार वो आउट ऑफ फैंसी होती हैं तो मार्केट कैप नीचे रहता है, लेकिन अगर एस्टेब्लिश कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं या अच्छे सर्विसेज है,
तो कई बार उस मार्केट कैप कैटेगरी की कंपनीज भी अच्छा कर जाती हैं। तो आप मतलब इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहे हैं कि 500 करोड़ मार्केट कैप के नीचे की कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए रिटेल जनरली को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि नहीं देखना। एज अ रिटेल इन्वेस्टर, जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास इतनी कॉम्पिटेंस है नहीं कि वो इतना जाकर रिसर्च करे, तो वो आप रिलाय कर रहे हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत स्टॉक्स पुश किए जाते हैं, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाती है, लेकिन आपको अल्टीमेटली नहीं पता कि क्या होने वाला है। और उसमें रिस्क जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो जाता बिजनेस मॉडल, तो रिस्क तो रहता ही है। तो आप इतना रिस्क क्यों लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियोस पे, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप देखिए लॉन्गर टर्म में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न ही बेस्ट से बेस्ट फंड मैनेजर बना पाता है। आपको लगता है आप उससे बेटर कर सकते हैं, या आपको शॉर्ट टर्म में रख सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये होता नहीं है एक्चुअली। फेयर पॉइंट सर, चले आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। लार्ज कैप, तो जैसे हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो जनरली एक टॉप डाउन व्यू लेता हूं मैं कि कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे। तो जैसे हम जब अभी बात कर रहे हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक तरह का पीक्स आ रहा है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा है, ओवरऑल सेक्टर है, और कॉस्ट प्रेशर्स बहुत बढ़ने वाले हैं मेरे व्यू में आगे जाके। और अभी हम यूएस फेड टाइटनिंग के एक साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही यूएस इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन शुरू होगा, सबसे पहले लोग डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग को कट करती हैं कंपनीज। तो मैनेजमेंट बहुत बुलिश हैं। जब मैनेजमेंट नेगेटिव थे 2 साल पहले आईटी के, तब बेस्ट टाइम था खरीदने का। अब मैनेजमेंट बहुत बुलिश हैं, एनालिस्ट बहुत बुलिश हैं, और अर्निंग फोरकास्ट बहुत ज्यादा बुलिश है। तो ऐसे समय पे टॉप डाउन व्यू मेरा ये है कि इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो टॉप डाउन में फिर मैं क्या कहूँ, मुझे कौन सा सेक्टर लगता है कि हाँ इसमें अच्छा हो सकता है, जो एक पुराना फैंसी सेक्टर था फार्मा। मुझे लगता है कि फार्मा में जो लार्ज कैप्स हैं उनमें आज के दिन अंडर ओनरशिप है, एक नेगेटिविटी है अर्निंग्स ग्रोथ की, मार्जिन उनके बहुत प्रेशर में रहे हैं पिछले 2 साल में, प्राइसिंग प्रेशर रहा है यूएस मार्केट्स में, तो एक नेगेटिविटी है। तो और क्योंकि इन्वेस्टर बहुत कम ओन करते हैं, तो थोड़ा भी पॉजिटिव सरप्राइज आएगा तो उसमें अच्छा मूव आ सकता है। तो इस तरह के ब्रॉडली मतलब 2 सेक्टर्स मैंने जनरल एग्जाम्पल की तरह दे दिए। तो लार्ज कैप्स में क्या करता हूँ, टॉप डाउन हमने किया कि ये सेक्टर अच्छा करेगा, फिर उसमें से बेस्ट कंपनीज कौन सी मिल सकती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं सीमेंट, अगर हमें लगता है कि लॉन्गर टर्म सीमेंट अच्छा करेगा, तो उसमें बेस्ट कंपनी कौन सी है? मेरे व्यू में बेस्ट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट है, तो फिर हम अल्ट्राटेक सीमेंट में एलोकेट कर देंगे। तो लार्ज कैप इन्वेस्टिंग इस तरह से होता है, टॉप डाउन, और फिर बॉटम अप से कोई जो बेस्ट स्टॉक्स है उसको आप उठा लेते हैं। तो सर बेस्ट की और परिभाषा, बेस्ट मतलब जो हमें लगता है कि इस सेक्टर में कौन सा स्टॉक बेस्ट करेगा। जैसे आईटी में, लार्ज कैप में आज के दिन हम कह सकते हैं 3 स्टॉक्स हैं या 4 स्टॉक्स हैं, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस और एचसीएल टेक। तो हमने अगर डिसाइड किया कि हमें इस क्षेत्र, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें हमें क्या लगता है कि वैल्यूएशन और ग्रोथ वाइज बेस्ट कंपनी कौन सी है, तो उसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन कर देंगे। ओके मतलब नॉर्मली मैं ऐसे करता हूँ लार्ज कैप इन्वेस्टिंग। और लार्ज कैप इन्वेस्टिंग का एम ये रहता है कि 3 से 5% हम निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दे। अगर आप जाके एनालाइज करेंगे पिछले 10 साल का डेटा, किसी भी फंड ने जिसने कंसिस्टेंटली 3-4% आउट परफॉर्मेंस दे दिया, तो वो टॉप परफॉर्मर हो जाता है उस कैटेगरी का। लोगों को लगता है कि हमें 10-20-50% आउट परफॉर्म करना है, एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं होती। एक जरूरत है कंसिस्टेंसी की, दूसरी जरूरत है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली की। अगर आप वो कर देते हैं तो आप आउट परफॉर्म कर जाते हैं। तो उसमें 2 चीजें हो जाती हैं, एक थोड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन जब आपको लगेगा कि डाउन टर्न आने वाला है, और अपसाइड में अगर आप डाउनसाइड में कम गिर गए, अपसाइड में आपने 2-3% भी ज्यादा बना लिया, तो ये 5% हो जाता है। अच्छा, तो सर जो लोग निफ्टी ईटीएफ में एसआईपी कर रहे हैं, जहां पर वो 50 टॉप स्टॉक्स के अंदर में कॉन्स्टेंटली एसआईपी चल रहा है, आप सजेस्ट करते हैं कि लार्ज कैप का एक खुद का ही बास्केट बना के, चाहे वो 5 स्टॉक है या 10 स्टॉक है, उसमें कंसिस्टेंट एसआईपी करेंगे तो वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा 3 से 5%? जी हाँ, एक्चुअली सिप में विवेक मेरा व्यू रहेगा कि सिप ओवर 5 ईयर्स थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि सेक्टोरल चर्न ज्यादा फास्टर हो जाता है। तो इसलिए बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि वो निफ्टी के साथ ही रहे, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया कि मैं चलो इन 8-9 स्टॉक्स में करता हूँ, लेकिन सडनली जिसने उन 8-9 स्टॉक्स में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स रखे होते पिछले 2 साल में, तो उन्होंने निफ्टी को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया होता। तो क्या यही चीज रहेगी अगले 2 साल या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो वो जब बायस आ जाता है इन्वेस्टिंग में,
मैं पैसिव इन्वेस्टिंग में, अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं उसके साथ एक बायस भी ला रहे हैं, तो फिर टफर हो जाएगा मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म आउट परफॉर्म करना है। तो फिर निफ्टी एसआईपी करते रहना चाहिए, और स्टॉक में करना है तो सर वन टाइम या रेगुलर उन स्टॉक्स में करें? मेरे हिसाब से लार्ज कैप स्टॉक्स में वन टाइम में बिलीव करता हूँ कि जब आपको लगा कि अच्छे लेवल पे आ गया, अच्छे प्राइस पे आ गया, जैसे 2 साल पहले नेगेटिविटी थी टेलीकॉम सेक्टर पे, भारती जैसा स्टॉक था वो कभी परफॉर्म ही नहीं करता, लोग कहते थे ये चीप है, परफॉर्म ही नहीं करता, परफॉर्म ही नहीं करता। तो उस समय पे जिसने इन्वेस्ट किया होता हाइपोथेटिकली, अभी हम कह सकते हैं कि उस समय करना चाहिए था, मेरा व्यू यही था कि उस समय करना चाहिए था, हमारा काफी स्ट्रांग बेट था इस पे। लेकिन वो अब मैं ये नहीं कह रहा कि पास्ट को डेटा लेके मैं ये बता रहा हूँ कि उस समय करना चाहिए था, लेकिन ऐसे होता है जैसे आईसीआईसीआई परफॉर्म ही नहीं करता था कभी, और लोग कहते थे कि आईसीआईसीआई डेड स्टॉक है, इसमें इन्वेस्टिंग मत करो, एचडीएफसी हमेशा आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन पिछले 2 साल में टोटल रिवर्सल हो गया, तो ऐसा हो जाता है। सही है सर, है ना, मुझे मौका मिला है तो मैं ना एक एक्सरसाइज आपके साथ ये करूंगा इस टॉपिक पे। मैं एक बार, लेट मी जस्ट, एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स निकालते हैं जो लार्ज कैप हैं, सो निफ्टी 50 को पकड़ते हैं, और इन स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक है जो अंडर परफॉर्म किए हैं पिछले से 1 साल में। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये हीरो मोटर, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी लाइफ, ब्रिटानिया, एचडीएफसी, अब ये सारे अंडर परफॉर्मर रहे हैं मार्केट में। तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये तो लार्ज कैप बड़े बड़े नाम हैं, अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज कोई ना कोई रीजन होगा। एचडीएफसी का रीजन अभी मर्जर वाला जो था, थोड़ा सा उसको लेके लोगों की चिंता हो गई है। शी सीमेंट, सीमेंट का एक ओवरऑल ही सीमेंट सेक्टर अभी वीक है, बट टाइम पे ये रिकवर कर सकता है। सो व्हाट यू आर सेइंग कि इनमें से जो अंडर परफॉर्मर है, इनमें से कोई ऐसा स्टॉक या सेक्टर निकालो जिनमें मूनशॉट नजर आ रहा है और फिर उनमें पैसा डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि ओके लार्ज लार्ज कैप्स में ब्रॉडली विवेक, अनलेस हम कोई 70-80% फॉल साइकिल में आ जाते हैं जो कि हो सकता है 10-20 साल में एक बार आए, अनलेस वो आता है जब लार्ज कैप्स इन जनरल ऊपर से 25-30% गिर जाते हैं, तो वो एक लुकआउट बाय जोन में आ जाते हैं मेरे हिसाब से। तो समझ गया। उसमें से फिर आपको कौन सा स्टॉक इन्वेस्ट करना है वो आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन मैं एच डी एफ सी बैंक में फिर भी नहीं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ये मर्जर का लॉजिक इतना समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर कुछ लोग कॉन्फिडेंट है कि नहीं ये मर्जर एक्चुअली एक्रेटिव है, मैं गलत हो सकता हूँ, तो फिर अगर वो स्टॉक ऊपर से 20-25% गिर गया है तो फिर उसमें वैल्यू आ सकती है। समझ गया, मैं समझ। ठीक है सर, आगे बढ़ूं। हाँ जी हाँ जी अब आते हैं, व्हेन डू कंपनीज गिव स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, रिटर्न्स? हाँ विवेक, सो कई सिनारियोज होते हैं जिसमें कंपनी स्ट्रॉन्ग रिटर्न देती है। एक हाइपर ग्रोथ फेज होता है, हाइपर ग्रोथ फेज होता है कि जिसमें ग्रोथ इतना ज्यादा होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि इसको वैल्यू कैसे करें इन कंपनीज को। तो आज के दिन जब हम बात करते हैं, हम ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में ये सब देख रहे हैं कि उसमें कोई अर्निंग नहीं है, कोई अर्निंग आने भी नहीं वाली बहुत नियर टर्म में, लेकिन क्योंकि लोगों को उसको वैल्यू करना नहीं आ रहा तो उसको हायर एंड हायर वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं। ये चीज हुई थी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में 98, 99, 2000 में, रियल एस्टेट सेक्टर जब इमर्ज हुआ था पहले, जब ये यूनिटेक डीएलएफ इनिशियली लिस्ट हुए थे, तो लोगों को उनको वैल्यू कैसे करना है तब समझ नहीं आया था। तो एक हाइपर ग्रोथ आया था जिसमें इन स्टॉक्स ने बहुत हाई रिटर्न दिया था। तो और आज के दिन पे अगर हम देखें तो कुछ ई कॉमर्स सोशल मीडिया स्टॉक्स में ऐसा मूव आया, अभी करेक्शन जरूर हुआ है, लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि अर्निंग नहीं है, लेकिन ऐसे फेजेस में स्टॉक्स नॉर्मली हाई रिटर्न देते हैं। तो एक तो ये फेज होता है, दूसरा री रेटिंग होती है कि री रेटिंग बहुत कारणों से हो सकती है कि एक डाउन टर्न खत्म हो गया, एक उन्होंने कोई नए प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर दिए जिसके कारण एक हायर मोमेंटम आ जाएगा, सडनली बिजनेस प्रोफाइल चेंज हो गया क्योंकि कोई मैक्रो डेवलपमेंट ऐसा हुआ जिसके कारण सडनली ग्रोथ आ गई कंपनीज में। तो जैसे ऐसे एक फेज हमने देखा है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में इंडिया में, जहाँ पे एक बहुत ज्यादा री रेटिंग हुई है एक्सपेक्टेशन में कि चाइना प्लस वन पॉलिसी और कुछ कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट्स में कंपनीज के सडनली मार्जिन बढ़ गए, कुछ प्रोडक्ट्स में सडनली डिमांड बढ़ गया, या चाइना आउट हो गया तो उनके लिए डिमांड आ गया। तो ऐसे फेजेस में जब री रेटिंग होती है, तो क्योंकि री रेटिंग में अर्निंग ग्रोथ शायद इतना नहीं होता लेकिन पी एक्सपेंड हो जाता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। जी तो दो तरीके होते हैं रिटर्न के स्टॉक मार्केट्स में, एक प्राइस अर्निंग रेशियो एक्सपेंशन, एक अर्निंग ग्रोथ।
तो अगर प्राइस अर्निंग रेशियो सेम रह रहा है तो आपका रिटर्न अर्निंग ग्रोथ जितना रहेगा, लेकिन अगर प्राइस अर्निंग रेशियो एक्सपेंड हो जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमने सर देखा कुछ। एक मिनट, ये जो पॉइंट है ना आपका, मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ सर, इस पे थोड़ा सा समय लीजिए और ये कॉन्सेप्ट बताइए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेयर बाजार का। सो प्लीज एकदम धीरे धीरे सर ये कॉन्सेप्ट समझाइए। हो सकता है आपको पीई और अर्निंग को भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, बिकॉज मेरे लर्नर्स हो सकता है उनको ये भी कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। हाँ विवेक, तो क्या होता है कि कंपनीज की एक प्रॉफिट्स होते हैं, तो जितना प्रॉफिट है उसके बेस एक पे वैल्यूएशन होती है कंपनी की, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन किया जाता है। तो जी जब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जितना कंपनी का टोटल वैल्यू है मार्केट का, उसको प्रॉफिट से डिवाइड करें तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाता है जी कि कितने प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। तो एक तरीका होता है कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने का कि उसका प्रॉफिट बढ़ता जाए। तो हाँ जैसे जैसे बड़ी कंपनीज हैं जो वेल एस्टेब्लिश है, जिनमें प्राइस अर्निंग रेशियो का एक्सपेंशन शायद नहीं हो सकता, जो अगर हम लार्ज कैप कंपनीज कहेंगे, तो उनमें उनके रिटर्न ज्यादातर अर्निंग्स को ट्रैक करेंगे। कि जैसे आज के दिन, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मैं नहीं कहूंगा इसका पी बढ़ सकता है कम हो सकता है, एशियन पेंट्स जैसी कंपनी ले लें जी जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो ऑलरेडी रीजनेबल है। जी तो अगर उस कंपनी में रिटर्न आना है तो उसका अर्निंग ग्रोथ जरूरी है, यहां से प्राइस अर्निंग रेशियो उसका बढ़ने के चांस कम है। लेकिन अगर थोड़ी कंपनी कोई डाउन साइकिल में जा रही है, उसका खराब समय चल रहा है, या कोई इमर्जिंग कंपनी है, तो उसका प्राइस अर्निंग रेशियो एक समय पे कम रहेगा। कि जी जिस जो मार्केट उसकी अर्निंग्स को कितना रेटिंग देता है, तो वो जी कहता है कि ये 10 टाइम पे ही ट्रेड होता है आज के दिन, क्योंकि 10 टाइम पे हिस्टोरिकली इसने ट्रेड हुआ है। जी लेकिन क्योंकि उसका ग्रोथ साइकिल इतने जबरदस्त तरीके से चेंज हो जाता है कि उसका प्राइस अर्निंग रेशियो ही एक्सपेंड हो जाता है। जी एक एग्जाम्पल सडनली मेरे दिमाग में आया, जैसे कंपनी है टाटा इलेक्सी करके मार्केट में, हाँ तो हाँ टाटा इलेक्सी एक अंडर परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक था, बहुत जी सालों तक अंडर परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक था। जी वो लोग काफी अच्छा काम करते थे, वो कहते थे हम कैड कैम काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो आता नहीं था रिटर्न उस स्टॉक में। जी जी सडनली कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कंपनी का ग्रोथ पैराडाइम चेंज हुआ, कंपनी की अर्निंग ग्रोथ बढ़े, उनके उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, जो उस जिस जो प्रॉफिट मार्जिन उनके होते थे, उससे ऑलमोस्ट डबल हो गए उनके प्रॉफिट मार्जिन 3-4 साल जी में ही। तो जी उसमें एक प्राइस अर्निंग रेशियो उसका एक्सपेंड हो गया। तो जी जहां पे 10-15 टाइम पे वो स्टॉक ट्रेड होता था, प्राइस अर्निंग रेशियो पे वो 40-50 टाइम पे ट्रेड होना शुरू हो गया। जी तो अर्निंग तो इस टाइम में हो सकता है उनकी अर्निंग ग्रोथ 200% रही हो, लेकिन जी प्राइस अर्निंग रेशियो भी 300% बढ़ गया, तो टोटल रिटर्न 500% हो गया। जी जी तो ऐसे ऐड करके स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनते हैं। जी लेकिन सर इसका फ्लिप साइड भी होता है। फ्लिप साइड क्या है, कई बार प्राइस अर्निंग रेशियो डी रेट भी हो जाता है। जी तो कंपनी का अर्निंग ग्रोथ हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि अर्निंग ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, तो जिस प्राइस अर्निंग रेशियो पे वो कंपनी ट्रेड होती थी, जी जैसे अगर वो 50-60 पे होती थी, वो 30-40 पे होने लग जाती है। जी तो लोगों को समझ नहीं आता कि ये प्रॉफिट तो बढ़ रहा है कंपनी का, शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा। तो जी शेयर इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि पहले ही मार्केट ने इतना आगे तक उसका डिस्काउंटिंग कर दिया था कि ये कंपनी हमेशा ही इतनी तेज रेट पे बढ़ती रहेगी कि उसका वो और प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ नहीं सकता। तो कई बार प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी कंपनी में नेगेटिव रिटर्न आ जाता है। समझ गया, एकदम सही सर। सर आपने टाटा एलेक्सी बोला तो ये मेरा फेवरेट स्टॉक है सर, तो मैं उसका चार्ट भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आप जो कह रहे थे ना, ये प्राइस से ही था, और पी देखिए सर, ये पी रेशियो है जो स्टॉकेज ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं। ये देखिए पी का एक्सपेंशन कितना जबरदस्त हुआ और प्राइस में भी कितना अच्छा ग्रोथ मिला। तो जो आप कह रहे हैं एकदम टाटा एलेक्सी द क्लासिक केस स्टडी कि पी एक्सपेंशन का भी फायदा मिल गया और अर्निंग का भी फायदा मिल गया सर। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उसका ग्रोथ जो पैराडाइम ही चेंज हो गया, कि वो स्लो ग्रोथ कंपनी सडनली हाई ग्रोथ कंपनी बन गई। जी, सही है सर, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं सर, सॉरी बीच में इंटरप्ट किया आपको, आगे बढ़ते हैं सर। तो दूसरे होते हैं, कुछ कंपनी होती है टर्न अराउंड कंपनीज। अब टर्न अराउंड कंपनी ज्यादातर मिलती है साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में, और वो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज ज्यादातर बेस्ट होती है कमोडिटीज। तो कमोडिटी साइकिल जब बिल्कुल डाउनटर्न में होता है, तो कमोडिटी कंपनीज का जो स्टॉक होता है वो अंडरलाइन कमोडिटी के प्राइस से हाईली लीवरेज होता है। इसका मतलब यह है कि जो स्टील स्टॉक है, जब स्टील का प्राइस 5% बढ़ेगा, तो टिपिकली स्टील कंपनी का स्टॉक 25% चढ़ जाएगा, और उस अच्छा उल्टी उल्टी साइड पे 5% अगर गिरता है तो वो 25% गिर जाएगा।
तो ये लोग बहुत हाईली लीवरेज होते हैं अंडरलाइंग कमोडिटी के प्राइस पे। तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि अब टर्न अराउंड कंपनीज को कब खरीदे, जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है और वो साइकिल और ज्यादातर कंपनी लॉस बनाने लग जाती है, तो जी उस समय बेस्ट तरीका इसमें होता है जो बड़ी कंपनी है उस सेक्टर की उसमें इन्वेस्ट कर दो आप, और फिर सही पेशेंटली वेट करो, क्योंकि जी साइकिल हमेशा टर्न होता है, जी हमेशा स्टील साइकिल हमेशा टर्न होगा, एल्यूमिनियम साइकिल हमेशा टर्न होगा, शुगर साइकिल हमेशा टर्न होगा, ये साइकिल हमेशा टर्न होते हैं। लेकिन जी इसमें जिस चीज पे आपको केयरफुल रहना है कि ऐसी कंपनी में ना घुस जाइए जो बैंकरप्ट हो सकती है, ओके राइट क्योंकि टिपिकली ये कमोडिटी कंपनीज का डेट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप कोई कंपनी में ऐसे में घुस जाते हैं जो कंपनी बंद हो जाएगी, तो फिर वो आपको साइकिल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जी डाउन साइकिल पे बड़ी कंपनी में रहिए, एक बार साइकिल एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर छोटी कंपनीज में भी आप जा सकते हैं उसमें। समझ गया सर। ये क्लासिक है, एक जैसे से आप बोले थे मेरे माइंड में आया पेपर, तो पेपर का भी साइकिल एक आया बिकॉज ऑफ कोविड, तो पेपर स्टॉक में लीडर है जेके पेपर। आप देखिए स्टॉक प्राइस ये वही था, सिक्लिकलिटी क्लियरली थी, बट जैसे ही कोविड के बाद में एक पेपर का साइकिल चेंज हुआ, ब्रेकआउट आया, ये लीडर कितना स्ट्रांग परफॉर्म किया है सर, आपको दिख रहा है सर सामने हाँ, तो बहुत विवेक ये सॉलिड। क्यों हुआ, हाँ क्यों ये क्यों हुआ, क्योंकि इन स्पेशली पेपर कंपनीज में कॉस्ट फिक्स होते हैं, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल जो है पल्प है, पल्प का अगर जिनके पास अपना पल्प कैपेसिटी है उसका कॉस्ट मोरलेस फिक्स है, कुछ केमिकल के प्राइसेस वगैरह बढ़ जाते हैं हाँ अनलेस आप बाहर से पल्प खरीद रहे हैं, तो अगर हाँ आपके पास अपनी पल्पिंग कैपेसिटी है आपका कॉस्ट बिल्कुल फिक्स है, तो हाँ हर 1 रुपया जो पेपर का प्राइस बढ़ेगा वो सीधा आपके बॉटम लाइन में जाएगा। सही बात है, सही बात है सर। तो आप देखिए सर लीडर जो है वो 178% बढ़ा, लेकिन लास्ट एक साल के अंदर में जो छोटी कंपनीज हैं वो कितनी जबरदस्त बढ़ी है सर। तो आप जो हाँ, कह रहे हैं क्योंकि पॉइंट उसी को एक सब्सटेंशिएट कर बार, रहे हैं। हाँ एक बार अपसाइड, एक बार साइकिल एस्टेब्लिश हो जाए तब स्मॉलर कंपनीज में जा सकते हैं, क्योंकि कई बार साइकिल क्या होता है कि ऊपर आता है फिर वापस नीचे चल जाता है, फिर आप छोटी कंपनी में घुस गए तो आप फंस भी सकते हैं। समझ गया। तो सर इसका मतलब सेक्टर का जो लीडर है, एक दो पहला या तीसरा कंपनी था, लीडर का अगर प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है कि इनमें स्ट्रेंथ है और बिजनेस में भी उसका आउटपुट नजर आ रहा है, पी एक्सपेंशन भी दिख रहा है, तब फिर छोटे कंपनी में चला जाना चाहिए बिकॉज बीटा तो उनका हाई होता है, पैसा उधर ज्यादा बनने का चांसेस है। हाँ, छोटे में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा विवेक कि जब टर्न अराउंड होता है सेक्टर में, उसमें उसके लीडर ही इतना रिटर्न दे देता है कि आपको लालची होने की एक्चुअली जरूरी नहीं है, अच्छा जरूरत नहीं है। अच्छा तो वो स्टील के अपसाइकल में टाटा स्टील ने इतना रिटर्न दे दिया कि आपके कोई XYZ कुछ स्टील मिल में जाने की जरूरत है ही नहीं एक्चुअली। हो सकता है उसमें ज्यादा रिटर्न मिल जाए, लेकिन उसको आप बाद में ट्रैक कैसे करेंगे। मतलब वो ज्यादा रिटर्न भी देता है, तो अगर साइकिल अप डाउनटर्न में जाती है तो सबसे ज्यादा मार भी उन्हीं स्टॉक में पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, सर ये साइकिल्स में एग्जिट कैसे करें, ये एक क्वेश्चन हमेशा मुझे भी बॉदर करता है। अब सपोज मैं जेके पेपर ले रखा हूं, तो वैसे मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूं, तो मुझे मोमेंटम वीक दिखता है तो मैं बेच देता हूं, पर उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं बड़ा फिर रैली एक ही ट्रेड में नहीं ले पाता हूं, तो एग्जिट कैसे देखें सर। साइकिल्स का टर्न हो गया, एक तो होता है शटल बर्ड हो, या मुझे पता लग जाए कि ये साइकिल ही चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री पूरी चेंज हो रही है, सर ये आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एग्जिट करने के लिए। विवेक ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस ही हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली कौन सा साइकिल कब पीक करेगा बहुत बताना मुश्किल होता है। तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या होगा कि जब सब लोग बुलिश हो जाते हैं, जब सब लोग कहते हैं कि इसको खरीदो, तो तब टिपिकली मोस्ट ऑफ द रिटर्न बन गया है। तो अब अच्छा अगर आपका 80% 90% रिटर्न आ गया और 10-20% आप छोड़ भी देते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। राइट राइट राइट, तो जब मेन मेन स्ट्रीम टीवी में आ जाए तब बेच दो बिकॉज तब तो सबको पता लग गया है, मतलब आ जाए और उसके बाद उसकी चर्चा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। कई ठीक बार है आ जल्दी जाता है, लेकिन उसकी हाँ कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, सब उसी के बारे में बात करना चाहते हैं, हाँ हाँ तब ऐसे हाँ समय आ जाता है। समझ गया सर। ठीक है सर कंटिन्यू करते हैं सर, ग्लोबल फैक्टर्स। तो ग्लोबल फैक्टर ज्यादातर लोग इस पे फोकस नहीं करते, लेकिन मेरा एक व्यू ये है कि बॉटम मार्केट का बनता है वैल्यूएशंस पे। तो बॉटम पे आपको मैक्रो सिनारियो बहुत खराब लगता है, लेकिन कंपनीज के वैल्यूएशन इतने सस्ते हो जाते हैं कि आपको कुछ और नहीं देखना, आपको बस खरीदना है। दूसरे तरफ पे जब मार्केट के टॉपिंग साइकिल होता है तब सिर्फ मैक्रो मैटर करते हैं, तब कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं, लगता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैक्रो फैक्टर्स खराब होने शुरू हो जाते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया,
या लिक्विडिटी पे एक्शन लेना कर दिया सेंट्रल बैंक्स ने शुरू, तो वो टिपिकली एक साइकिल को स्टैगनेट कर देता है, खत्म कर देता है, या उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। तो मैक्रो फैक्टर लोग जनरली कहते हैं कि देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साइकोलॉजी बन जाती है कि जब मार्केट चढ़ ही जा रहा है तो ये चढ़ता ही जाएगा, या गिर ही जा रहा है तो ये गिरता ही जाएगा। एक्चुअली नहीं होता। तो मैक्रो फैक्टर्स मेरा ये तीसरा या चौथा साइकिल है। तो एक चीज मैंने ये रियलाइज की है कि जो मैक्रो फैक्टर्स को इग्नोर करता है वो अल्टीमेटली ऐसा बड़ा झटका खाता है कि फिर वो बाद में सोचता है कि मैंने इन्वेस्ट क्यों किया इक्विटी मार्केट्स में। पर संदीप जी, मैक्रो फैक्टर्स कई बार क्या होता है, ऐसे सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं जिसके कारण मैक्रो में चेंजेस आते हैं। जैसे अभी जो कोविड ऑब्वियसली वाज मोर ऑफ नो वन वाज एक्सपेक्टिंग इट, और फिर रशिया यूक्रेन हो गया, तो इसमें पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स ही चेंज हो गया है। क्रूड भी तेज चल रहा है, डॉलर भी तेज हो रहा है, मतलब सभी चीजें एक लॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से नहीं चल रही है। इन दैट सिचुएशन क्या करना चाहिए? अभी मेरे पास सपोज शेयर पड़ा हुआ है, लेकिन शेयर तेज भी है, मुझे लग रहा है ये मार्केट ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए तेज, लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है मार्केट को, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए फिर? विवेक, मैंने काफी सालों के बाद मैंने ये रियलाइज किया था कि मैं एक समय पर फुली इन्वेस्टेड रहता था। मैंने अल्टीमेटली ये रियलाइज किया कि हमेशा 20-25% कैश आप कितने भी अच्छे बुल मार्केट में रखिए। इसका कारण क्या है कि फ्यूचर इज अनसर्टन। अगर हमें हमेशा हमें पता हो कि कल क्या होने वाला है तो हम लोग हमेशा 100% इन्वेस्टेड रहेंगे, राइट? अगर तो फ्यूचर कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। तो उसमें जब अनसर्टेनिटी है तो आप अनसर्टेनिटी को कैसे फैक्टर इन कर सकते हैं? कुछ कैश रख के। तो कुछ कैश रख के आप, तो दूसरा कारण मैं कैश क्यों रखता हूँ कि कई बार मौके आते हैं मार्केट में और आप फुली इन्वेस्टेड होते हैं तो आपको ये नहीं समझ आता कि मैं क्या बेचूं, क्योंकि आपने जो खरीदे हुए आपको लगता है मेरे सारे ही अच्छे स्टॉक्स हैं। अब सारे ही अच्छे हैं तो फिर जब आप नया मौका आया, नया अच्छा स्टॉक आया, तो आप क्या बेचेंगे? तो उसमें जब अगर कैश होता है तो फिर इन्वेस्ट करना इजी हो जाता है कि हाँ ठीक है चलो कैश लगा दो। तो दूसरा आपका ये सवाल था कि आज के दिन काफी एनालिसिस जो है वो प्ले आउट नहीं कर रहा कि यूएस डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, कमोडिटीज भी बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट भी इतना नहीं गिर रहा, इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। तो ये एक फेज आता है जब एक मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो जब चेंज होता है तो ये एक फेज आता है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स में एक डिसबिलीफ होता है कि ये चीज नहीं हो सकती। वो डिसबिलीफ एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है जहां सारे एसेट प्राइसेस लिंकेजेस शॉर्ट टर्म में लगता है कि टूट गए हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं टूटते। इकोनॉमिक थ्योरी 100 सालों से बनी है, जिनको जो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी चेंज हो गई है, अब आगे कोई अलग ही इकोनॉमिक थ्योरी चलेगी, वो मेरे ख्याल से दे आर प्लेइंग विद फायर। ऐसा नहीं होगा। और जब ऐसा सिनारियो आया है, हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन ने बुल मार्केट्स को किल किया है, तो आज के दिन हम जिस सिनारियो में बात कर रहे हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर सिनारियो की मेरे ख्याल से बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी हम जब जिस सिनारियो में बात कर रहे हैं उस सिनारियो में मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क हाई है, तो लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो कॉशियस का मतलब हो गया सर कि यू वोंट माइंड कैश का कंपोनेंट बढ़ा दें, अगर उससे पीस ज्यादा मिलता है तो प्रॉब्लम क्या है ना? हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत क्यों, आपने रिटर्न मिस भी कर दिया थोड़ा, तो क्या फर्क पड़ता है ना? 2 साल में आपने इतना अच्छा रिटर्न बनाया, एवरेज रिटर्न आप 10 साल का उठा के दे दिए बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड का, स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड, उसका एवरेज रिटर्न 15-16% है। तो आप 15, आपने 2 साल में 200%, 300%, 400% बना लिया। अब आप थोड़ा कैश कर लेंगे, उसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं सही है। है, सही है। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके संदीप जी, बिकॉज क्लियरली आपका एक्सपीरियंस दिख रहा है इसके अंदर में, बिकॉज यू हैव हैंडल दीज सिचुएशंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो और स्ट्रॉन्ग मूव क्या होता है कि डायरेक्शनल मूव, कि जैसे अब अगर हमने टाटा एलेक्सी का एग्जांपल लिया था, टाटा एलेक्सी पे अगर हम स्टिक करते हैं, नॉट दैट कि हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को टाटा एलेक्सी खरीदिए, कि डायरेक्शनल मूव कि कंपनी का डायरेक्शन क्या है, कि चेंज किस तरफ हो रहा है। अगर चेंज हायर ग्रोथ की तरफ हो रहा है तो टिपिकली रिटर्न ज्यादा रहते हैं मार्केट में। अगर दूसरी साइड कोई कंपनी होगी जिसके बहुत अच्छे अर्निंग्स हैं, उसने पास्ट में बहुत अच्छा किया है लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, तो अगर जब ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है तो टिपिकली रिटर्न्स जो हैं वो मॉडरेट कर जाते हैं। तो डायरेक्शन जो चेंज का है वो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है मार्केट्स में। तो उसमें
उसमें दो सिनारी हो जाते हैं कि कंपनीज के अर्निंग्स कम है लेकिन एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में ज्यादा है, तो उसके वैल्यूएशंस बढ़ते हैं। कंपनी का बहुत अच्छे अर्निंग्स है लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के कम है, तो उसका टिपिकली प्राइस अर्निंग डी रेटिंग होता है। दूसरा जो लास्ट पॉइंट इस स्लाइड में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंटल आरओई एक्सपेंशन। अब इंक्रीमेंटल आरओई एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे हमने कमोडिटी स्टॉक्स की बात की, जब वो लॉस मेकिंग होते हैं तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव होता है, कि प्रॉफिट नेगेटिव है तो प्रॉफिट को इक्विटी नेटवर्थ से डिवाइड किया नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि वो या तो वो ज्यादा लॉस से कम लॉस में जा रहे हैं या कम लॉस से प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो जो इंक्रीमेंटल है मतलब जो चेंज है वो चेंज ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब वो कई बार हंड्रेड ऑफ परसेंट में होता है एब्सोल्यूट जो है वो, कि टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नेटवर्थ। लेकिन जो चेंज है कि चेंज इन अर्निंग्स और डिवाइडेड बाय दैट नेटवर्थ, वो उनका बहुत पॉजिटिव रहता है। तो जब वो उस फेजेस आते हैं तब रिटर्न्स टिपिकली बहुत हाई होते हैं। ये तो थोड़ा सिंपल शायद नहीं रहा, तो आई डोंट नो कि ये नहीं, ये पॉइंट गया बहुत या नहीं सिंपल रहा था। है, बहुत सिंपल रहा है सर। मैं थोड़ा इसको और क्लेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। तो जब तो हमको कब कंपनी को पकड़ना चाहिए, जब वो एक्सपेंशन दिखाना चालू कर दी या 2-3 क्वार्टर के बाद में ही उस कंपनी पे ध्यान देना चाहिए, तब हमको पता है कि अब ये सही पाथ में घुस चुकी है? बिकॉज 1 क्वार्टर तो फ्लूक हो सकता है ना सर। जी हाँ बिल्कुल, तो 2-3 क्वार्टर वेट करने से आपकी वॉलेटिलिटी और रिटर्न्स कम हो जाएगी। हो सकता है आप इनिशियल मूव मिस कर दें, विच इज फाइन, ओके, कुछ फर्क नहीं है पड़ता मार्केट में। एक जो मार्केट में लोगों को लगता है कि हमने मिस कर दिया, कुछ मिस करना नहीं होता मार्केट में। अगर एक बस जाती है तो अगली बस जरूर आती है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो वैल्यूएशन में चैलेंज क्या होता है कि एक एस्टेब्लिश है कि हम प्राइस अर्निंग रेशियो पे देखेंगे, एक एंटरप्राइज वैल्यू की टोटल वैल्यू और कंपनी टू एंटरप्राइज वैल्यू पे हम लोग कंपनीज को इवेल्युएट करते हैं। सडनली कोई नई आ जाती है, सोशल मीडिया कंपनीज आई थी जैसे, तो उनके कैसे वैल्यू करो, तो एनालिस्ट नए नए तरीके निकालते हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स पर क्लिक, बहुत सारी चीजें निकलती है, तो वहाँ वो चैलेंजिंग हो जाता है। ई कॉमर्स की कंपनीज को आप कैसे वैल्यू करें, कुछ ई कॉमर्स की कंपनियां वो कहती हैं कि हमारा प्रॉफिट बनाना हमारा मोटिव ही नहीं है। अगर उनका प्रॉफिट बनाना मोटिव ही नहीं है तो आप उस कंपनी को कैसे वैल्यू कर सकते हैं। तो उसमें कुछ न्यू जनरेशन इन्वेस्टर हैं जो कहते हैं कि जिन्होंने, मैं कहूंगा जिन्होंने पिछले साइकिल्स देखे नहीं हुए, उनको लगता है कि इकोनॉमिक सारे वैल्यूएशन थ्योरी चेंज हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट अभी नहीं है, आ जाएगा आगे जाके। तो लेकिन उनका अगर बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जिसमें उनको एंट्री बैरियर ही नहीं है और कोई और कंपनी आके उस चीज को इजीली रेप्लिकेट कर सकती है और आप लॉस पे लॉस बनाई जा रहे हैं, तो वो वैल्यू उसमें आ नहीं सकते। लेकिन कुछ कंपनीज इतनी सुपीरियर सुपीरियर है टेक्नोलॉजिकली, जैसे हम देखें यूएस में टेस्ला, टेस्ला जैसी कंपनी वो टेक्नोलॉजिकली इतनी सुपीरियर है, अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा 2 स्टेप्स आगे हैं, तो उनमें जब वो लॉस भी बना रहे थे तो हम उनमें कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये इवेंचुअली जब इसका इतना वॉल्यूम हो जाएगा ये प्रॉफिट बनाना शुरू कर देगा। और अभी हम आज के दिन टर्न अराउंड देखें तो क्या जबरदस्त टर्न अराउंड है, 2 साल लॉस मेकिंग कंपनी 2 साल पहले की आज बिलियंस ऑफ डॉलर क्वार्टरली प्रॉफिट बनाना शुरू हो गई है। तो जब नए सेक्टर्स आते हैं तो ये एक चैलेंज होता है। तो पहले मैंने रियल एस्टेट पर टच किया था, इंडिया में जब रियल एस्टेट कंपनीज इनिशियली लिस्ट हुई थी किसी को वैल्यू करना नहीं आता था, लोग कोई भी वैल्यू देने को तैयार थे, देखिए फिर कोई भी वैल्यू देने के का नतीजा क्या होता है कि वो कंपनीज के प्राइस आज के दिन पे भी नहीं आए, जो 2007 में प्राइस थे वो आज के दिन पे भी। डीएलएफ जो सबसे बड़ी कंपनी है अगर मुझे अच्छे से याद है, वो 1500 या 2000 तक गया था और आज के दिन 400 रुपये पे ट्रेड होता है। तो ये एक चैलेंज हो जाता है नई कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। सर, मैंने एक जो राइटर हैं, जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन, उनका मैंने फेस टू फेस किया था और उनको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि नई कंपनीज का वैल्यूएशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, बिकॉज ही हैज बीन अ मास्टर ऑफ वैल्यूएशन फॉर सो मेनी इयर्स। तो ही सेड दैट, सी विवेक, यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले भी जो वैल्यूएशन टेक्निक मैंने बोला था डीसीएफ, तो 99% लोग डीसीएफ करते ही नहीं थे, मोस्टली पियर ग्रुप वैल्यूएशन ही चलता था। आज की रेट में भी न्यू ग्रुप, अगर न्यू जनरेशन कंपनीज को हम देखेंगे तो दे आर ऑलरेडी कंपनीज विच आर प्रॉफिटेबल आफ्टर मेनी ईयर ऑफ लॉसेस,
एंड दे हैव बिकम बेंचमार्क। तो कोई भी नई कंपनी आती है तो उन्हीं को हिसाब से बेंचमार्किंग हो जाती है, बट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ओल्ड स्कूल इन्वेस्टर्स फॉर दीज न्यू बिजनेसेस हैव नॉट येट कम। सो ही वॉज काइंड ऑफ सजेस्टिंग दैट आप चेंज करिए अपने आप को, बिकॉज मे बी दीज न्यू स्टाइल ऑफ बिजनेसेस नीड्स अ वेरी डिफरेंट अटेंशन देन जस्ट लुकिंग एट द वे यू लुक्ड एट इन द अर्लियर बिजनेसेस। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनका थॉट प्रोसेस। बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि एक समय कभी टाइम आता है या कभी हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस गलत हो और एक अलग तरीके से वैल्यू करना पड़ेगा और एक कंपनीज का अर्निंग्स एक डिफरेंट तरीके से आया था जैसे आपने सोचा था, क्योंकि वो ट्रेडिशनल इंक्रीमेंटल जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती थी, अब उस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इतना ही मैन्युफैक्चर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर उतना ज्यादा नहीं हो सकता तो फिर आप उस कंपनी को एक तरीके से वैल्यू करते थे, लेकिन अगर कोई कंपनी है उसका मॉडल इतना ज्यादा स्केलेबल है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम डाले, जैसे अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है उसका कुछ मोट है और उस मोट या कोई गेमिंग कंपनी है तो उसमें, लेकिन वो उसके एक प्रोडक्ट अगर बहुत सक्सेसफुल हो जाए और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो जाए, उनको इंक्रीमेंटली हर जगह प्लांट लगाने की, हर जगह सेल्स लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, तो उस तरह से वो स्केलेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो मैं इस बात पे आई वुड एग्री कि ये बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस है, लेकिन फॉलो करना मुश्किल है और विनर्स इस सेगमेंट में निकलेंगे 100 में से निकलते 3-4-5। वो 3-4-5 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं, यही चैलेंज है। तो मुझे एक बात बताइए, ये पेटीएम में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें? मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी में एक तो मोट नहीं है कुछ, और दूसरा प्रॉफिट बनाने का कैसे वो प्रॉफिट बनाएंगे मुझे समझ नहीं आता। तो एक प्रॉफिट का विजिबिलिटी दिखनी चाहिए। okay. तो मैं कहूंगा जैसे नई कंपनी, मैं कहूंगा मैं नाइका में फिर भी एक सम स्टेज इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे उनका बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और इवेंचुअली वो प्रॉफिट बनाएंगे भी। किस वैल्यूएशन पे करूंगा वो डिबेटेबल है, मतलब मुझे करंट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लगती है, तो हो सकता है मार्केट में कुछ फॉल आए, कुछ क्रैश आए, कुछ हो जिसके कारण अच्छे वैल्यूएशन मिल जाए तो उस कंपनी में मैं जरूर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। श्योर, गॉट इट सर, आगे बढ़ते हैं। ये आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेक दिस सेक्शन। हाँ, तो इसमें विवेक क्या होता है कि स्मॉल और मिड कैप इन्वेस्टिंग रिस्कियर है लार्ज कैप से, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रिस्क क्या है कि उनका बिजनेस एक इयर्स ओवर इयर्स एस्टेब्लिश नहीं है, जैसे लार्ज कैप बड़ी कंपनीज हैं उनमें बहुत साल हो जाते हैं तो आपको पता है कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है, उनका बैलेंस शीट कैसा है। स्मॉल मिड कैप कंपनीज में ये चेंजेस बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो जब चेंजेस बहुत फास्ट हो जाते हैं तो उस सिनारियों में हमें ये वैल्यूएट करना जरूरी होता है कि वो कंपनी जब चेंज होंगे, जब ये कंपनी छोटे से बड़ी बनेगी, वो कैसे बिहेव करेगी, उसका मैनेजमेंट का फोकस क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो अब ये इन्वेस्टिंग बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसमें क्या है कि गलतियां हो सकती हैं और इसमें एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। तो मैं कहूँगा कि आज काफ़ी टाइम आजकल ऐसे हो जाता है कि जब मैं किसी कंपनी के मैनेजमेंट को मिलता हूँ तो मिलके ही मुझे दिख जाता है कि ये कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन ये मैनेजमेंट मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसमें नहीं करूंगा इन्वेस्ट। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कंपनी इतना अच्छा नहीं कर रही होती लेकिन वो मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस इतना क्लियर होता है कि वो बहुत अच्छा रिटर्न दे देती है। ऐसे बड़ी अच्छी एक कंपनी मुझे सडनली ध्यान में आई, कजारिया सिरेमिक्स करके, आज के दिन तो बहुत एस्टेब्लिश बड़ी अच्छी कंपनी है। तो मिड 2000s की बात है, 2004 शायद, तो कजारिया जी हमारे ऑफिस में आए, मैं SBI म्यूचुअल फंड में था, तो जनरल बातचीत हो रही थी हम क्या करेंगे ये वो, तो बड़े ओपन सा मैनेजमेंट था। तो वो कहता कि संदीप जी आप मुझे ये बताइए कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो उस समय पे वो लोग सोचते थे डिविडेंड पॉलिसी, आज के दिन कंपनी सोचती है डिविडेंड पॉलिसी। और वो कहते कि हमारे पास डेट है लेकिन मुझे डेट पसंद नहीं है, मैं डेट रीपे करना चाहता हूँ, और उनके प्रोडक्ट्स वगैरह मुझे बहुत पसंद थे। तो मुझे लगा कि ये मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है तो ये लोग अच्छा करेंगे। तो उस समय मेरा 30-40 रुपए होता था स्टॉक, उस समय हमने काफी खरीदा था म्यूचुअल फंड के अपनी स्कीम में। तो बेस्ड ऑन की जो मैनेजमेंट की बातें थी और प्रोडक्ट, और ऑब्वियसली हमें लगता था कि ग्रोथ तो आएगी क्योंकि उस समय रियल एस्टेट का एक बूम स्टार्ट हो रहा था इंडिया में, जो फर्स्ट बूम था उस समय का। तो
इसमें आपकी इंटरेक्शन कैसी होती है, आप किस क्या कंफर्ट आता है उससे बहुत अच्छा होता है। आज के दिन भी देखिए वो कंपनी डेट फ्री है, और आज के वो कंपनी ने कितना अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। सही है सर। मैंने एक और फेस टू फेस किया था विजय केडिया सर के साथ में, तो बातचीत में उन्होंने भी यही कहा था कि मैं तो मेरा काम तो है बॉडी लैंग्वेज को रीड करना। एक बार तो मुझे उन्होंने डरा दिया था कि उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारा भी बॉडी लैंग्वेज अभी रीड कर रहा हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तो तेजस नेटवर्क का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि तेजस नेटवर्क जब उन्होंने खरीदा था उसके बाद स्टॉक काफी गिर गया था। फिर टीवी में उन्होंने मैनेजमेंट को बोलते हुए सुना तो वो इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने और शेयर ले लिया प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑफ द प्रमोटर और द मैनेजमेंट। तो हाँ बिल्कुल, ये तो इसमें इन्वेस्टिंग की ब्यूटी यही है विवेक, कि बहुत सारे अलग अप्रोचेज हैं इन्वेस्टिंग के, जी बहुत अलग सक्सेसफुल इन्वेस्टर अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, और जी अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जी तो यही बेस्ट चीज है इन्वेस्टिंग की, कोई एक इन्वेस्टिंग इज नॉट अ साइंस, लाइक इट्स अ आर्ट एक्चुअली। गॉट इट गॉट इट सर। एक पॉइंट यहां लिखी हुई है कि बेस्ट टाइम टू बाय स्टॉक इज व्हेन दे दीज आर इलिक्विड। इलिक्विड का मतलब हो गया सर कि ज्यादा शेयर में ट्रेड नहीं होते हैं और डिलीवरी भी कम होती है। बट सर अगर उस समय खरीदेंगे तो हम भी तो रिस्क ले ही रहे हैं कि इलिक्विड खरीद रहे हैं तो बेचने का मौका ही नहीं मिले। हाँ तो वो एक तो जब आप मिड कैप स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि मैं 6 महीने में ही बेच दूंगा, आपका व्यू ये है कि चलो मैं 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक व्यू भी है। तो वो लिक्विडिटी ओवर, अगर आपको लगता है कि ओवर टाइम ये कंपनी अच्छा करेगी तो लिक्विडिटी आ जाएगी, एक ये। दूसरा इलिक्विडिटी रिलेटिव होती है कि कितना इलिक्विड है, तो बहुत छोटी कंपनी में बहुत कम वॉल्यूम होगा, रीजनेबली लार्ज कंपनी में वॉल्यूम डिसेंट होता है, वो इलिक्विड इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडर इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर उसको खरीद रहा है लेकिन कोई ट्रेडर्स उसको कंटिन्यूअसली बाई सेलिंग नहीं कर रहे, वॉल्यूम कम है, तो वो अच्छा समय रहता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें अब जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे एक कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में, और मैं अभी भी बुलिश हूँ, तो लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को ये खरीदने के लिए, वो है प्राज इंडस्ट्रीज। तो प्राज इंडस्ट्रीज को मैंने ऑलमोस्ट 20 साल से ट्रैक किया है, मैंने उसके फर्स्ट साइकिल में काफी पैसे बनाए थे, अब सेकंड साइकिल में हम काफी अर्ली स्टेज पे घुस गए थे। तो आज से 2 साल पहले ये स्टॉक इलिक्विड था, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, डेट फ्री हमेशा रही है, डिविडेंड देती रही है, लेकिन कुछ कारणवश इसका टोटली बिजनेस प्रोफाइल खराब हो गया, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल खत्म हो गए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गए, ये टेक्नोलॉजी पे कंटिन्यूअसली काम करते रहे, और सडनली एक ट्रांसफॉर्मेशन आया जिसमें हमें दिखने लगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आगे एक बहुत बड़ा साइकिल आएगा, टेक्नोलॉजी इन्होंने सेकेंड जनरेशन इथेनॉल या नई टेक्नोलॉजीज में ये लोग काफी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उस समय लिक्विडिटी नहीं थी। तो मैं कहूँगा इसमें जैसे आप जाइए 2022, लाइक आई विल से, हाँ जैसे अभी जहाँ पे कर्सर था वो 2017-18, तो बीच में अगर देखेंगे कि वॉल्यूम बिल्कुल कम थे रिलेटिव, हाँ तो उस समय पे एक्यूमुलेशन फेज था, तो वो उसमें क्या होता है जब आप थोड़ी लिक्विडिटी के टाइम पे खरीदते हैं तो आपको पेशेंस रखनी पड़ती है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आप कंपनी की परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है लेकिन मार्केट को इंटरेस्ट नहीं है, विच इज फाइन, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट को इंटरेस्ट नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए मिड कैप इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इवेंचुअली जब इंटरेस्ट आएगा और कंपनी अच्छा करती जाएगी तो रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। समझ गया। तो सर ये वाला जो फेज होता है, जो सबसे तकलीफ वाला फेज होता है, जब भाव नीचे है और यहां एक्युमुलेशन चल रही है, वॉल्यूम में दिख रहा है, तो ये फेज में पार्टिसिपेट करने के लिए तो बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन चाहिए सर। हाँ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ विवेक कि अपना ड्यू डिलीजेंस जो है इन्वेस्टमेंट से पहले होना चाहिए, और एक बार आपने कर लिया और आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, फिर आप मार्केट के बारे में बॉदर मत कीजिए, क्योंकि अच्छा ही है कि इमीडिएटली आपको, लाइक अगर आपको बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है था, क्योंकि आपको थोड़े से शेयर खरीदने हैं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको ये है कि थोड़ा एक्यूमुलेशन फेज मिल जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें फिर आप प्राइस को डिस्टॉर्ट करे बिना खरीद लेते हैं और इवेंचुअली स्टॉक परफॉर्म करता है। जी। सर मुझे ना बहुत मजा आ रहा आपके साथ बात करके। तो एक का आपने लिमिटेड टाइम दिया था, बट थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं सर। हाँ हाँ जरूर।
अरे फैंटास्टिक, थैंक यू। सो दोस्तों आपको भी मजा आ रहा होगा, और अभी तक रुके हैं तो बस लास्ट तक रुकेगा, बिकॉज बहुत और बातें रह गई हैं, क्वेश्चंस बहुत है मेरे अंदर में। तो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स डिस्कस। सो ये सर, ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपने यू नो बहुत अच्छा बोला है कि रिस्क आर ग्रेटर एज नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट्स विल डू वेल। तो हाँ जो भी करें तो इसमें, मान के चले। हाँ विवेक, तो इसमें क्या होगा कि आपको लगता है कि मैं स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और मेरे सब स्टॉक्स चलेंगे। अगर आपके सब स्टॉक चलेंगे तो आप भगवान बन जाएंगे, क्योंकि आप तो आपके सब स्टॉक्स, अभी हमने रिसेंटली देखा एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं ग्लोबली, बिल एकमैन, हाँ उन्होंने जो नेटफ्लिक्स का फॉल आया उसमें $400 मिलियन का उनका लॉस हो गया। तो हाँ ऐसा नहीं, तो बहुत सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी गलती कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि आपका हर आइडिया चलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट की बेस्ट चीज ये है कि आप अगर 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस 100 रुपए होता है, कि वो जीरो जा सकता है। लेकिन अगर आप 100 रुपए का अच्छा शेयर खरीदते हैं तो वो 1,000 भी हो सकता है। तो लॉस हमेशा, अगर आप लीवरेज नहीं कर रहे तो लॉस आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना है, और जो गेन आप कर सकते हैं वो उसका मल्टीपल ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो इसलिए आपको हर आइडिया आपका चलना जरूरी नहीं है। आपके आपने 15 स्टॉक खरीदे, उसमें से 3-4 भी बहुत अच्छे कर जाएं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी, ये कहा जाता है ना सर कि जो सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर है दुनिया का, उसका एक्यूरेसी खाली 40% है। मतलब 10 में सिर्फ 4 ही ट्रेड राइट करते हैं, लेकिन सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर है, क्योंकि जो राइट करते हैं उसमें बहुत ही पैसा कमाते हैं। हाँ, सो जैसे एक काफी फेमस सेइंग है कि इन ट्रेडिंग इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर राइट और रॉन्ग, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। सही बात है, सही है एकदम सर। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये एक रिटेल इन्वेस्टर है के होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये मेरे से आगे पूछते हैं कि कोई स्मॉल लो प्राइस स्टॉक बताइए। अब हाँ लो प्राइस स्टॉक का कोई रेलिवेंट, कोई मतलब ही नहीं होता लो प्राइस का। अब कोई 5-10 रुपए का स्टॉक है लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है वो बनाती वो कंपनी, और हाँ उसकी इक्विटी इतनी बड़ी है, लोगों को ये नहीं समझ आता कि इक्विटी बहुत बड़ी हो सकती है। हाँ तो हाँ एक कंपनी हो सकती है उसकी इक्विटी सिर्फ 10 करोड़ है और वो हाँ उसका शेयर ट्रेड कर रहा है 10,000 पे। हाँ तो 10 करोड़ इंटू 10,000 हो गया मतलब 1 लाख करोड़, जैसे हाँ एज्यूम करें हम हाँ मार्केट कैपिटलाइज। लेकिन एक हाँ कंपनी है जिसकी इक्विटी ही 10,000 करोड़ है और हाँ वो 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो हाँ वो भी सर 1 लाख करोड़ हो गया। हाँ तो हाँ लोगों को, लेकिन लोगों को साइकोलॉजी ऐसी है, उनको लगता है कि वो 10,000 वाला महंगा है, ये 10 रुपए वाला सस्ता है। एक्चुअली हाँ उल्टा है, क्योंकि वो 10,000 रुपए वाला 10,000 इतना है, उन्होंने कंपनी का 10 करोड़ इक्विटी, उन्होंने कभी इक्विटी नहीं रेज की, वो अपने रिटेन प्रॉफिट से ही पैसा बना बना के इन्वेस्टर को दिए जा रहे हैं। हो सकता है हिस्टोरिकली उन्होंने इतना डिविडेंड दे दिया होगा कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स होंगे उनका शेयर ही फ्री हो गया होगा, लेकिन उल्टी साइड पे वो कंपनी होंगी जो कंटिन्यूअसली इक्विटी रेज कर ही जा रहे हैं, उनके 5-10 रुपए का शेयर प्राइस पड़ा है, उसमें इन्वेस्ट करके कभी पैसे नहीं बन सकते। सर एग्जाम्पल के रूप में स्क्रीन के सामने वोडाफोन 10 रुपए का है। हाँ, और अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स देखूं, आप ही जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तकरीबन 3200 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर्स हैं। हाँ, तो जो पहले पार्लेंस में हमारा इक्विटी माना जाता था, जब हम 10 रुपए का शेयर मानते थे एक समय पे, आजकल तो 1 रुपए के भी शेयर होते हैं, तो 32,000 करोड़ हम कह देते कि इसकी इक्विटी है अगर 10 रुपए का शेयर होता। तो अब आप देखिए कि कितनी बड़ी इक्विटी है। तो ये तो कब, मुझे तो याद भी नहीं आता कब इन्होंने लास्ट डिविडेंड दिया था, अगर कभी दिया भी है, आई डोंट नो। क्या डिविडेंड क्या सर? हाँ मतलब डिविडेंड कभी दिया है इस कंपनी ने? कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं सर। सर डिविडेंड इन्होंने लास्ट दिया है 2016 में। हाँ, 2016 के बाद डिविडेंड ही नहीं आया, देखिए 6 साल हो गए। हाँ। सर और दूसरी कंपनी, दूसरा एग्जांपल जो आपने दिया था, एमआरएफ, तो इसका दाम है 70,000 रुपये स्टॉक प्राइस के, और इसकी इक्विटी बेस देखेंगे तो खाली 42 लाख शेयर है। हाँ, और आप इसका डिविडेंड देखिए पिछले 10 साल के, वो हाँ, तो इसका भी डिविडेंड मार्केट में कैप सर 30,000 करोड़ के आसपास ही है, तो दोनों कंपनी की वैल्यू हाँ सेम है। ऑलमोस्ट सेम हो गया। हाँ और इसका डिविडेंड देखेंगे तो 2022 में इन्होंने अभी फरवरी में डिविडेंड दिया है, कंसिस्टेंट डिविडेंड पे करते हैं। हर साल जैसे 3-4 बार डिविडेंड दे रहे हैं, और एक समय पे अगर आप जाएंगे आज से 10 साल पहले, तो स्टॉक प्राइस जो था उससे रिलेटेड जो आज के दिन डिविडेंड मिल रहा है, जिसने 10 साल पहले स्टॉक खरीदा होगा, हाँ
उसको आज के दिन जो डिविडेंड मिल रहा है वो स्टॉक प्राइस वाइज कितना हाई होगा? सर 10 साल पहले इसका स्टॉक प्राइस था 10,000 रुपये, और अगर आप डिविडेंड देखें, लेटेस्ट डिविडेंड जो उसने पे किया है, तो और पूरे साल का अगर आप देखोगे पूरे साल का देखें, अगर मैं ऐड करूं सारा, तो यहां से ऐड करता हूं सर, 50, 94, डेढ़ डेढ़ सौ रुपए के आसपास, 150 रुपये, करेक्ट। तो 10,000 रुपये देके 150 रुपये तो आपको डिविडेंड मिल जा रहा है। हाँ, तो मतलब ये शायद इतना, इससे बेटर भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, अब अभी थोड़ा शायद डाउन साइकिल में चल रहा है टायर इंडस्ट्री, तो इतना डिविडेंड नहीं भी दे रहे होंगे। हाँ, लेकिन मतलब बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि जो कंपनीज इक्विटी नहीं रेज करती उनमें आपने अर्ली इनफ आप इन्वेस्ट कर देते हैं, या आप किसी भी स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट ऐसा बढ़ता रहता है कि आपको डिविडेंड से ही खूब पैसा बनना शुरू हो जाता है। जी 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 फेयर पॉइंट सर। सर नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं? हाँ जी, हाँ जी सर, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, ये स्लाइड शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के साथ लोगों के लिए? हाँ, करिए करिए, मैंने आपको दे दिया, आप शेयर कर सकते फैंटेस्टिक, हैं। थैंक यू। सो दोस्तों, मैं तो दिमाग में जो आया था मैंने टाइप कर दिया। एकदम एकदम दोस्तों, ये स्लाइड एज इट इज मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग कर लीजिएगा डाउनलोड। और वैसे सर संदीप जी काफी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा सर को कि समय मिले तो डेफिनेटली कुछ जवाब दे दे। जरूर सर अब अपने कंक्लूसिव मोड पे आते हैं सर, तो कुछ स्लाइड्स जो आपको लगते हो कि कंक्लूसिव में सही स्लाइड्स है उस पर 10 मिनट बात करते हैं सर। सो मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करने की हुड सबके अंदर में लगी हुई है, तो कैसे करें इसको आइडेंटिफाई? तो फ्रेंकली मैं बताऊंगा विवेक कि मल्टी बैगर कौन सा स्टॉक है वो बाद में पता चलता है। तो आप इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में ये सोच के कि मैं इतना रिटर्न बनाऊंगा, लेकिन वो कंपनी का मैनेजमेंट इतना अच्छा काम करता है, उसका बिजनेस इतना इंप्रूव हो जाता है कि वो मल्टी बैगर हो जाता है। तो काफी लोग कहते हैं कि हमने ये मल्टी बैगर आइडेंटिफाई किया उस समय। मैं ये कहूंगा कि मैंने आज तक कोई मल्टी बैगर आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने अच्छे कंपनीज आइडेंटिफाई की जो मल्टी बैगर बन गई, दैट इज द रियलिटी। क्योंकि जब मैंने इन्वेस्ट किया मुझे नहीं पता था ये मल्टी बैगर का, मुझे पता था मुझे इसमें अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, मुझे पता था इसमें 20-30-40% हो सकता है 50% रिटर्न बन जाएगा, हो सकता है ये स्टॉक डबल हो जाएगा 2-3 साल में, मुझे ये नहीं पता था वो 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। उसके लिए मैनेजमेंट का बहुत स्ट्रांग काम करना जरूरी है, और कुछ बिजनेस साइकिल उसको हेल्प करता है, कुछ कुछ मैक्रो फैक्टर्स हेल्प करते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हेल्प करती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें। तो जो पॉइंटर्स आपने बोले थे कि वो मैनेजमेंट को देखना है, बिजनेस मॉडल को समझना है, तो आदमी को प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, जो गीता में भी लिखा हुआ है ना कि फल की कामना मत करो, बस कर्म अच्छा किए जाओ। तो मल्टीबैगर इज दैट फल विच मे कम विच मे नॉट कम, डोंट थिंक अबाउट इट। हाँ, क्यों, कर्म आप कर्म ही कर सकते हो, फल क्या मिलेगा वो तो किसी को भी नहीं पता ना, किसी भी कर्म में कैसे पता हमें क्या फल मिलेगा। सही बात सर। इसमें से कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसमें रिस्क क्या होता है कि जब हम छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि जब वो बड़ी होती है तो वो स्केल को हैंडल कर पाएगी या नहीं। काफी कंपनीज में हमने ऐसे देखा है कि वो छोटे में तो बहुत अच्छा कर रही है, फैमिली कंट्रोल होता है, जब बड़ी होती है कुछ एक्सटर्नल मैनेजर्स लाते हैं या कुछ ग्रोथ करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ कंपनीज कई बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और सडनली उसके रिटर्न्स काफी खराब हो जाते हैं, तो ये होने की उम्मीद काफी होती है। तो एक हमें ये केयरफुल रहना चाहिए कि जब कंपनी थोड़ी बड़ी हो रही है किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका डेट कितना बढ़ रहा है, उसका बैलेंस शीट ठीक रह रहा है या नहीं, वो सब चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। इंटरेस्टिंग सर, ये पॉइंट आपने जो बोला ना, ये मैंने काफी कंपनीज में देखा कि ये जब कैश फ्लो जनरेट हो रहा होता है तो प्रमोटर थोड़ा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में चला जाता है, और यही काफी कंपनीज के डाउनफॉल का भी कारण रहा है कि काम कुछ और करने उतरे थे और करने कुछ और चले गए। हाँ बिल्कुल, और जो बहुत अच्छी कंपनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनमें कभी वो लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते, वो सेम बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस जरूर कर लेंगे कि, लेकिन लेकिन वो
कंपनी के अंदर रहते हैं या एक ही बेसिकली ग्रुप में, मतलब उसकी सब्सिडियरी होगी या उसमें उसमें ही रह के वो लोग काम करते हैं। जो जब आप आपके पास बहुत पैसा आ गया, आपको लगता है मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, अल्टीमेटली उसका रिटर्न अच्छा नहीं होता, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। शॉर्ट टर्म में उस मार्केट में फैंसी आती है, लोग इंप्रेस हो जाते हैं बहुत, वो अलग बात है, लेकिन लॉन्गर टर्म में रिटर्न नहीं आता। तो अगर कोई भी कंपनी अनाउंसमेंट करती है जो अनरिलेटेड एरिया में एक्सपेंशन है, तो आप रेड फ्लैग मान लीजिए उसको, है ना? या बिल्कुल रेड फ्लैग। और एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी अगर बहुत बड़ा वो लोग इन्वेस्टमेंट अनाउंस करते हैं, जो करंट उनका बैलेंस शीट साइज है उससे काफी प्रोपोर्शन में ज्यादा है, तब भी हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। श्योर श्योर, गॉट इट। वाह, बात करते हैं ब्लू डार्ट के बारे में सर। हाँ, ब्लू डार्ट मेरा एक फेवरेट स्टॉक था, क्योंकि इसमें जब हमने इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में, होते थे हम SBI म्यूचुअल फंड में, तो 50 रुपए का मेरे स्टॉक होता था उस समय पे। तो उस समय हमारा व्यू ये था कि ग्लोबली जैसे लॉजिस्टिक्स काफी पॉपुलर है, काफी अच्छा बिजनेस है, तो उस समय ब्लू डार्ट भी उस तरफ जाएगा। अपने खुद के एयरक्राफ्ट इंडिया में ब्लू डार्ट के, सिर्फ ब्लू डार्ट के पास था, किसी और के पास था नहीं। और उस समय ये इंडियन ओन कंपनी थी, तो ये फॉरेन फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी नहीं थी, ये इंडियन ओन कंपनी थी, लेकिन वो मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था। तो हम कई बार मैं मिलता था मैनेजमेंट से, क्वार्टरली मीटिंग होती थी, तो बड़ा इंप्रेस होकर हम आते थे कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत जबरदस्त है। और इसका बेस्ट पार्ट ये था कि काफी ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत ज्यादा था। ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा का मतलब ये है कि जब आपका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट से आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते थे। तो उस समय पे इन्वेस्ट किया था, तो वो अर्ली स्टेज था, उस समय कोरियर बिजनेस जस्ट इवॉल्व हो रहा था इंडिया में, ज्यादातर होने, और कंपनीज भी एक्सटर्नल लॉजिस्टिक्स नहीं यूज करते थे। धीरे धीरे सब कंपनीज ने एक्सटर्नल लॉजिस्टिक कंपनीज को यूज करना शुरू किया अपने हायर करने के लिए, क्योंकि सब स्पेशलाइजेशन की तरफ गए। तो उस सब का फायदा ब्लू डार्ट को हुआ, और आज के दिन स्टॉक में कल आपने दिखाया अभी 6,700 रुपये का, तो कितने 100 टाइम्स, 120-130 टाइम्स हो गया उसमें से। इंटरेस्टिंग। तो जब आपने इन्वेस्ट किया होगा, वही मैनेजमेंट को देखा, अपॉर्चुनिटी देखा और कर दिया, आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये एक्चुअली, अभी आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि बाबा कितना रिटर्न दे दिया। क्या अभी भी SBI म्यूचुअल फंड 5% होल्ड करता है? काफी है, उनकी एक स्कीम में आता है ब्लू डार्ट टॉप 10 में। अगर कोई जाके एक्चुअली एनालाइज करके उसका कॉस्ट देखेगा, तो उसमें दिखेगा कि वो 50-60 रुपए पे खरीदा हुआ है। अच्छा, चले, मैं, इंटरेस्टिंग है। किसी अभी फंड तो में तो है। इसमें तो नहीं दिख रहा, बट वो स्कीम्स में, अलग अलग स्कीम्स में मिला के होगा। तो म्यूचुअल फंड का वैसे डेटा हमारे यहाँ पर इसमें दिख जाता है, यहाँ पर मे बी अलग अलग स्कीम्स में होगा सर। मैं भी बेच दिया होगा, आई एम नॉट हाँ, श्योर। मे बी बेच दिया होगा। हाँ, रिटर्न बहुत बन गए सर उसके अंदर में। कभी तो मन ललचाए गए फंड मैनेजर का भी वो तो भी तो इंसान ही है आफ्टर ऑल। सो या, तो ब्लू डार्ट तो ये वाली बेसिकली बात। एक्सप्लेन करती है स्लाइड की कैसे रिटर्न जी है। जी सर, जी सर। तो जो आपने बोला वो इस स्लाइड में है, PVR। हाँ, PVR भी अगेन बहुत अर्ली स्टेज पे, मतलब निकलते 100-120 रुपए का स्टॉक होता था, तब इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया था उस समय। सारे आपने भी देखे होंगे, या आप आई डोंट नो व्हाट योर एज इज लाइक, बट एक समय पे वो स्टैंड अलोन थिएटर्स होते थे, काफी यस खच्चर यस, हालत देखा है में, सर मैंने तो हम सब जाते थे तो उनमें देखने। जी सडनली मल्टीप्लेक्स जब रेवोल्यूशन आया, तो फिर लोगों ने रियलाइज किया कि ऐसे भी मूवी गोइंग हो सकती है। जी 20-30 रुपए के उस समय टिकट मिलती थी, फिर ये लोग आए, इन्होंने 80-100 रुपए में टिकट बेचनी शुरू की। शुरू जी शुरू में तो लोगों को लगता था कि ये भी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो समय मेरा व्यू ये था कि एक, जब जैसे जैसे कंट्री इवॉल्व होती है, सर्विसेज जरूर ग्रो करता है, लोगों को एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए होती है, तो एंटरटेनमेंट ग्रो करेगी। और उस समय यही एक लिस्टेड कंपनी थी एग्जीबिशन स्पेस में, आईनॉक्स बाद में आया। तो उस समय बहुत अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट किया था, थोड़ा पेशेंस चाहिए लगा, क्योंकि उनको प्रॉफिट में आने में समय लगा। बीच में कंपनीज एक दो चीजों में घुसी, मूवी प्रोडक्शन वगैरह में घुसी, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने कोर बिजनेस पे ही फोकस करेंगे, और उसके बाद से कंपनी ने बहुत जबरदस्त किया। जी तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट किया, मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था, उसको अपना बिजनेस समझ आता था,
और एक कंट्री ऐसी हालत में थी कि अगले कुछ सालों में उसमें जबरदस्त बूम होना जरूरी था। जी सही। मिस्टेक्स टू अवॉइड। हाँ, तो मिस्टेक्स टू अवॉइड मुश्किल होता है करना, लेकिन करना चाहिए। एक मार्केट में होता है कि रिलेटिव वैल्यूएशन, वो एनालिस्ट का बहुत फेवरेट चीज होता है कि हाँ अगर बड़ी कंपनी अगर 100 PE पे है तो छोटी हाँ कंपनी 50 पे है तो सस्ती है, लेकिन वो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक कंपनी का ग्रोथ क्या है उस हिसाब से प्राइस अर्निंग रेशियो क्या, वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, वो आपको एब्सोल्यूट में देखना है। आप एक कंपनी बहुत महंगी को कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि दूसरी कंपनी सस्ती है, तो ये एक रिलेटिव वैल्यूएशन ट्रैप होता है, ये जनरली मैं कहता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है कि हम बेसिकली ये स्लाइड में क्या इसी पॉइंट को कवर करता है, तो मेरा व्यू ये है कि रिलेटिव वैल्यूएशन का इन्वेस्टिंग जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रैप रहता है मार्केट में। बट सर, मतलब अल्टीमेटली सेक्टर के जो लीडर है उनके साथ तो नेचुरली आदमी कंपेयर करेगा अपने आप, नहीं तो एक स्टैंडर्ड उन कंपनी को कैसे इवेल्युएट करे, फेयर वैल्यू कैसे निकाले। हाँ, उसमें बेसिकली यही जो है कि जो कंपनी एक स्केल अप कर गई है वो बहुत ज्यादा सारी चीजें करके स्केल अप की है, तो जस्ट बिकॉज आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हो और उसमें छोटी कंपनी हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उतना स्केल अप कर पाओगे। तो अगर आप उतना स्केल अप और उतना ग्रोथ नहीं कर पाओगे तो क्या आप उसके जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो इवेंचुअली डिजर्व करोगे। बेसिकली ये पॉइंट है कि श्योर सब श्योर कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। श्योर श्योर दूसरा, हिस्टोरिकल प्राइस से कंपैरिजन, जैसे कि अगर कोई चीज 1,000 से 100 हुई तो लोग देखते हैं कि वो तो 1,000 था तो अभी 100 पे है तो सस्ता होगा, हाँ लेकिन वो हो सकता है कि वो 1,000 पे इतना ज्यादा महंगा था कि वो कभी 1,000 पे जा ही नहीं सकता। तो ये एक हाँ हिस्टोरिकल प्राइस कंपैरिजन जो लोग करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, ये गलत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर के लिए होना चाहिए। श्योर श्योर। तो बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज जो प्राइस है उसी को देखिए, कल भी जो हुआ उसको नहीं देखना है। बट हाँ, ऑब्वियसली जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप हिस्टोरिकल प्राइस से ही फ्यूचर के इमीडिएट प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ट्रेडिंग अलग है, लेकिन मैं जी इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि जी सर इन्वेस्टिंग जी में ये बायस बहुत आ जाता है। टू दूसरा ये है कि कुछ स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ कंपनीज के हर बुल मार्केट में होता है कि रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो बिलीव करने मुश्किल होते हैं कि कोई कंपनी 30-40% का नेट प्रॉफिट मार्जिन ही दिखा रही है। तीस जी चालीस परसेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है, तो कैसे आप टैक्स दे के 30-40% कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। जी तो कई बार बहुत टू गुड टू बी ट्रू होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी एनालिसिस से, तो उन कंपनी से मैं नॉर्मली बचने की कोशिश करता हूँ। ओके। प्राज के बारे में तो अपन लोगों ने बात किया था, तो आई थिंक यही डिस्कशन यहाँ पर आपने पेंड आउट कर दिया है। तो दिस इज मोर रिलेवेंट फॉर पीपल जो और फॉलो ऑन पढ़ना चाहते हैं, सर के फिलोसॉफी को देखना चाहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स स्टॉक्स के भी इन्होंने दे रखा है, तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। रेड फ्लैग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक दिस इज वन पॉइंट विच नीड्स कवरेज। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है सर? देखिए, ज्यादातर लोग बैलेंस शीट खोल के देखते नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है जी कि टीवी पे सब मिल रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल मिल जाते हैं वो वेबसाइट्स पे, लोग उसको देख के डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन डीपर कोई नहीं जाता। तो डीपर जाने के लिए एक होता है कि कुछ कंपनीज प्रॉफिट और ग्रोथ दिखाते रहते हैं, लेकिन उनके डेटर्स कंटिन्यूअसली बहुत बढ़ते रहते हैं। डेटर्स कौन होता है कि जिन्होंने उनको पैसे देने हैं, हाँ तो जिन तो ग्रोथ दिख रही है लेकिन वो डेटर्स जितनी ग्रोथ है उससे ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन कैश फ्लो नहीं है। तो अगर प्रॉफिट दिखाई जा रही है कंपनी और कैश फ्लो नहीं है, तो उसमें एक रेड फ्लैग होता है कि ये जी डेटर्स कौन है, कहाँ से डेटर्स है, ये पैसा कब आएगा वापस। और फिर अल्टीमेटली काफी ऐसी कंपनीज को मैंने देखा है बुल मार्केट के एंड में कि वो डेटर्स राइट ऑफ होते हैं। डेटर्स राइट ऑफ का मतलब है कि जो प्रॉफिट एक्चुअली दिखाया जा रहा था वो असली प्रॉफिट नहीं था, वो डेटर्स भी असली थे या नहीं हमें पता नहीं। तो कैश फ्लो पे फोकस करना चाहिए इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, कैश फ्लो पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जी दूसरा, बहुत ज्यादा कंपनीज जो एक्विजिशन करती रहती है कि यहाँ कंपनी एक्वायर कर ली, वहां कंपनी एक्वायर कर ली, तो उस ऐसी कंपनीज से मैं नॉर्मली
सब इन्वेस्टर को मुझे लगता है थोड़ा वैरी रहना चाहिए, स्पेशली अगर वो जाके प्राइवेट कंपनीज अक्वायर करते हैं जिनकी कोई लिस्टेड हिस्ट्री नहीं है। तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी की एक्विजिशन होती है तो आपको पता है ये इस प्राइस पर ट्रेड हो रहा था, ये वैल्यूएशन ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जाके अनलिस्टेड कंपनीज, छोटे इमर्जिंग मार्केट्स इधर उधर अफ्रीका में अक्वायर कर लिया, साउथ अमेरिका में कर लिया, तो उसको आपको ट्रैक नहीं कर सकते आपको किस प्राइस पे एक्वायर किया, वो राइट प्राइस था नहीं था, एक्चुअली पैसा कितना दिया गया नहीं दिया गया। तो जब एक ये ट्रेंड आपको दिखता है कुछ किसी कंपनी में कि ये बहुत ऐसी चीज कर रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग एंड देन टू मच ऑफ कैपेक्स. हाँ, तो तीसरा ये पॉइंट पहले भी आया था कि अगर कंपनी जो सडनली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाती है, आपके रिलेटिव जो आपका साइज था उसके साइज के मुताबिक आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हो कि आपका बैलेंस शीट ही पूरा रिस्क पे आ जाता है। और उसमें फिर आजकल तो थोड़े ऑडिट नॉर्म्स वगैरह स्ट्रॉन्गर हो गए हैं, लेकिन एक समय पे पैडिंग अप बहुत होता था प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का कि एक्चुअली 200 करोड़ हो रहा है लेकिन उन्होंने दिखा दिया 400 करोड़ हो रहा है, तो वो बहुत एक समय पे होता था। तभी हमने बैंकरप्सीज में देखा कि इंडिया में कितनी कंपनीज बैंकरप्ट हुई, उसका एक कारण पैडेड अप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी था। तो अगर बहुत ज्यादा कोई कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उससे आजकल का दिन एनलिस्ट, आजकल तो एनलिस्ट उसको पॉजिटिव मान के उसको कहते हैं कि ये कंपनी इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है इसको खरीदो। मैं कहता हूँ कि अगर इतना कह रही है तो आप थोड़ा केयरफुल रहो, उसको करने दो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब प्रॉफिट बनना शुरू होगा तब देखेंगे। अच्छा, समझ गया मैं. ये ये कुछ कुछ है और या? पुराने एग्जाम्पल हैं जो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ ये कुछ कुछ मेरे फेवरेट्स हैं। जो कोटक महिंद्रा बैंक, जब कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी होता था तब हाँ उदय कोटक से हम उस समय मिले थे, SBI म्यूचुअल फंड में बहुत इंटरेस्ट हुए, तब ये NBFC होता था, उस समय पे हमने कुछ 5-6% कंपनी का खरीद लिया था। और अब उसके बाद वो बैंक बना, उसके बाद जो रिटर्न्स आए वो सबको पता है। सिमिलरली यूनाइटेड स्पिरिट्स जब पहले मैकडॉनल्ड्स होती थी, मिस्टर माल्या के अंडर थी, तो मैं कंपनी को एनालाइज करता था, इतने जबरदस्त ब्रांड्स है, इतनी सेल्स है, प्रॉफिट नहीं आता कभी, लेकिन कभी प्रॉफिट आता नहीं था लेकिन सेल्स आती थी, तो उसके कारण बहुत थे। अब उसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन अल्टीमेटली जब प्रॉफिट डिलीवर, जब मैनेजमेंट को रियलाइज हुआ कि प्रॉफिट अच्छा दिखेगा और असली प्रॉफिट दिखेगा तो मार्केट रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर मैनेजमेंट चेंज हुआ तो रिटर्न्स बहुत जबरदस्त आए। तो ऐसे अर्ली, तो ये इनको मैं कहूँगा अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप देखते हैं या तो बहुत स्ट्रांग ब्रांड और प्रोडक्ट्स हैं या बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है, उसमें जब हम बैठ लेते हैं तो रिटर्न्स बहुत अच्छे बनते हैं। जी. मिस्टेक्स. तो मिस्टेक्स सब करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था जब शुरू में फंड मैनेजर जब आए 98-99 में, तो टेक्नोलॉजी मीडिया और टेलीकॉम, हाँ ये तीन सेक्टर चलते थे। कौन सा स्टॉक क्यों चल रहा है कुछ पता नहीं, रोज आप आते थे तो अपर फ्रीज पे होते थे रैंडम स्टॉक्स, तो आप किसी भी स्टॉक को खरीद लीजिए, आपको लगता है बहुत चढ़ गया। कंपनीज आके आपको प्रेजेंटेशन करती थी, कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करती हैं, लेकिन अच्छा बहुत लगता था कि हाँ ये तो कुछ बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये नहीं पता। जब ऐसे होता है तो उस समय जब आप अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं तब आप कई बार टेकन अप हो जाते हैं इन कंपनीज से, लेकिन ओवर टाइम यू रियलाइज कि जो चीज समझ नहीं आती उसमें इन्वेस्ट ना करो, यही बेटर है। सही है. अप्रोच टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. तो अप्रोच में दो चीजें हैं, एक तो आजकल का थिंकिंग प्रोसेस है कि सिप्स बेस्ट स्ट्रेटेजी है, तो मैं कहूँगा सिप बेस्ट स्ट्रेटेजी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना एनालिसिस नहीं कर सकते या जो पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए सिप्स बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है कि आप पैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, आपके पास समय नहीं है देखने के लिए, ना आप कुछ और डायरेक्टली इक्विटी को ट्रैक करना चाहते हैं, ना आप रोज प्राइस देख के डिस्टर्ब होना चाहते हैं, तो सिप उसके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी है। दूसरा एक फिलोसफी है कि टाइम मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग का कोई रेलिवेंस नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि टाइमिंग भी मैटर करता है, क्योंकि वही स्टॉक अगर आप 200 का खरीदें या वही स्टॉक 100 का खरीदें सिमिलर टाइम फ्रेम में, तो उसके आपके रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड बहुत डिफरेंट रहेंगे। तो उसमें तो एक जो फिलॉसफी है कि अच्छी कंपनी है तो आपको उसको किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हैं, उसमें मैं बिलीव नहीं करता। तो मेरा एक थोड़ा वैल्यू विद ग्रोथ अप्रोच है कि वैल्यू विद ग्रोथ में बेटर रिटर्न्स बनते हैं।
श्योर सर, ये जो पॉइंट आपने बोला कि 4 बार जैसे मेजर फॉल आया, तो अब क्या किसी भी सेन इन्वेस्टर को फॉल का वेट करना चाहिए और इस मेजर फॉल में, क्योंकि बड़े पैसे बनते हैं? इसमें यह विवेक कि हम जैसे एज इक्विटी इन्वेस्टर हम लोग 100% कैश में कभी नहीं रह सकते। कितने कैश में हम रह सकते हैं? हम लोग जब मैक्सिमम कैश में जाएंगे, मैक्सिमम निकलते 50% कैश, 50% तो हम फुली इन्वेस्टेड रहेंगे। करेक्ट, इन जनरल आप प्रैक्टिकली आप देखो 20-30% कैश में रह सकते हो। तो जब आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस हैं, तो आप 20-30% कैश में जाके रहना चाहिए। तो थोड़े रिटर्न मिस हो भी जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि बॉटम मार्केट का वैल्यूएशन पे बनता है और टॉप मैक्रो कंसर्न पे बनता है। देखो श्योर. बहुत सस्ता हो जाता है तब आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कल क्या होगा, क्योंकि कल किसी हमें नहीं पता कि कल और स्टॉक गिरेगा या नहीं। लेकिन कई बार वैल्यूएशन इतने सस्ते हो जाते हैं कि आपको खरीदना ही होता है। सर, प्रॉब्लम ये रहता है कि जब सस्ते होते हैं ना, उस समय मार्केट टाइम नहीं दे, ज्यादा समय नहीं देता लेने के लिए, क्योंकि उस समय साइकोलॉजिकली भी आदमी प्रेशर में, प्लस समय नहीं है, क्योंकि मार्केट रिकवर बहुत जल्दी करता है. हाँ, मतलब जो ड्रास्टिक फॉल्स हैं उससे इनिशियल रिकवरी बहुत फास्ट होती है, लेकिन हाँ उसके बाद मार्केट समय देता है। हाँ उसके बाद देखो देता है. हमेशा करेक्ट, हमेशा मार्केट टाइम देता है एंट्री के लिए भी एग्जिट के लिए भी। एक्चुअली ये ओके. लेकिन वो बॉटम, अगर आप कहते हो कि मुझे बॉटम ही पकड़ना है और मुझे टॉप पे ही बेचना है, वो नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि मैं बॉटम से 10% ऊपर खरीद दूंगा और उसमें मैं खुश हूँ और टॉप से 10% नीचे बेच के भी खुश हूँ, वो जरूर हो सकता है। श्योर श्योर श्योर. उसे अवॉइडिंग कुछ इन्वेस्टमेंट हाँ फैड्स. वो फैड्स अवॉइड करना जरूरी है कि फैड्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। कि लोग कहते हैं कि नई जनरेशन कंपनीज आई, नई कंपनीज आई, उसमें आपने 2-4-5% डाल दिया, जबकि आपको समझ नहीं आ रहा आप क्यों डाल रहे हो, फिर भी ठीक है। लेकिन होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर जनरली फैड्स में अपना ज्यादातर कैपिटल लगा देते हैं और फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर जब पैसे नहीं बनते या लॉस होता है, वो कहते हैं इक्विटी मार्केट खराब है, इक्विटीज खराब है, स्टॉक्स खराब है। एक्चुअली नहीं है, इक्विटी खराब नहीं है, स्टॉक खराब नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एलोकेशन खराब था। समझ गया. दूसरा जो मेरा व्यू है कि कोई कंसेप्ट मार्केट में कि हमने मिस आउट कर दिया, लूज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा मौके आते रहेंगे। आपने कल मिस कर दिया, कुछ नहीं होता, आपको परसों मौका मिलेगा। तो मिसिंग द बस जैसी कोई कंसेप्ट नहीं है इन्वेस्टिंग में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट से रीजनेबल रहने चाहिए। अगर इंडिया का जीडीपी जैसे 6-7% पे ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन लेट से कि 6-7% है, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न और एफिशिएंसी गेन्स हम कहते हैं कि कंट्री में 2-3% की हो रही है हर साल, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न मार्केट का 15-17% से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो अगर उससे ज़्यादा नहीं रह सकता और कुछ पीरियड्स में आपने बहुत रिटर्न बना लिया, तो आगे आपका रिटर्न थोड़ा कम होगा, उसके लिए रेडी रहिए। दूसरा, अगर कोई आपको कहता है कि मैंने 100% बनाया, तू भी आ जा, तेरा भी 100 बनेगा, तो वो नहीं होने वाला। तो आपको ये एज लॉन्ग एज आपकी साइकोलॉजी ठीक है इन्वेस्टिंग की, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे मार्केट से। अगर एक्सपेक्टेशंस ही गलत है तो आप डिसअपॉइंट होंगे। सही है. वाह, बहुत मजा आया संदीप जी. एंड आई मीन, मैंने मेरा आपको रिक्वेस्ट किया था, लंबा रहने दीजिए इसको, क्योंकि इतना कुछ आपसे मिल रहा था कि मन नहीं कर रहा था बंद किया जाए. बट वी प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग व्हाट यू हैड इन माइंड एंड यू रिटन इन द पीपीटी. सो थैंक यू सो मच फॉर स्ट्रक्चरिंग द थॉट प्रोसेस इन प्रेजेंटेशन एंड हेल्पिंग अस इन गोइंग थ्रू दैट इंटायर प्रेजेंटेशन. तो संदीप जी, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस लवली नॉलेज टू ऑल ऑफ अस. थैंक यू विवेक, अच्छा लगा। और इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसी बात करके आपके कुछ थॉट प्रोसेस खुद के भी क्लियर हो जाते हैं। यू नो, जब लंबी इंटरेक्शन होती है तो कई बार आप कुछ सोच रहे होते हैं, फिर आपके वो थॉट प्रोसेस बात करके और क्लियर हो जाते हैं। तो होपफुली मुझे भी इस चीज़ से मदद मिलेगी, होपफुली आपके व्यूअर्स को इससे हेल्प मिलेगी और वो बोर नहीं हो जाएंगे इतने लंबे इंटरव्यू से। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर. हमारे जो ELM लर्नर्स है वो बहुत ही सीरियस लर्नर्स है, तो क्योंकि ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट सीकर आते भी नहीं है, तो बोर होने वाले लोग ज्यादा आते हैं. तो लेट इट बी, बिकॉज एवरी वन नोज कि मनी मेकिंग इज अ बोरिंग प्रोसेस, इट कांट बी एक्साइटिंग. थैंक यू सर, थैंक्स, थैंक यू बाय। दोस्तों, लास्ट तक रुकने के लिए. और आप अपने आप को थैंक करिए,
क्योंकि आप लास्ट तक रुके हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोच रहे हैं। बस इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और वीडियो शेयर कीजिएगा, बिकॉज संदीप जी का नॉलेज इतना रिच है। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ ऑफलाइन नहीं कर पाया क्योंकि ये ऑफलाइन करने लायक ही कंटेंट था, बट चलो कुछ नहीं, ऑनलाइन हो गया और कभी ऑफलाइन इनके साथ बैठेंगे तो कुछ और रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।